देखो किरचॉफ लॉ कहाँ काम आएगा, अगर आपके पास कुछ सेट ऑफ कैपेसिटर्स हैं, वो कैपेसिटर्स बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं, आप हर कैपेसिटर पे चार्ज निकालना चाहते हो या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो, तो किरचॉफ लॉ की हेल्प से आप ऐसा कर पाएंगे। या फिर आपके पास कुछ सेट ऑफ कैपेसिटर्स हैं, उनमें से वो कैपेसिटर्स ना सीरीज में है ना पैरेलल में है, और आपको उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। अब वो सीरीज पैरेलल में तो है नहीं, पर फिर भी आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, तो किरचॉफ लॉ आपकी इसमें भी हेल्प कर देगा। पहले है क्या ये लॉ इसको सीखते हैं, फिर आज के लेक्चर में इसकी एप्लीकेशन सीखते हैं। तो पहला पॉइंट, किरचॉफ के दो लॉ हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद चार्ज कंजर्वेशन एंड सेकेंड लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद एनर्जी कंजर्वेशन। तो पहला लॉ चार्ज कंजर्वेशन के अकॉर्डिंगली है, सेकेंड लॉ एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंगली अपना काम करेगा। तो इसको करने के लिए मान लो ये आपके पास एक सेट ऑफ कैपेसिटर्स है, तो C1, C2, C3, C4 और C5 कनेक्टेड बाय सम बैटरी, ठीक है, बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो पहला रूल, इसमें पहला रूल कि मान लो आपके पास ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये भी क्लियर है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो आपको ये पता है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, इन दो कैपेसिटर के प्लेट्स के इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा और इस प्लेट को दे देगा। देखो बैटरी का तो काम है इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, इसको देना, तभी तो चार्ज आएगा। तो ये प्लस प्लेट यहां पर इस प्लेट पे क्या डेवलप कर देगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक। और कहां देगा, इन दो प्लेट्स पे देगा, तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। कोई डाउट इसमें, तो अगर ये पॉजिटिव तो बाय डिफॉल्ट बाय इंडक्शन ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और ऐसे ही नेगेटिव तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। अब इसका फैसला करना है कौन सी प्लेट पॉजिटिव कौन सी प्लेट नेगेटिव। अब अगर आप इन तीन कैपेसिटर की प्लेट्स को देखें, तो इनिशियली जब बैटरी नहीं थी तो ये तो न्यूट्रल थे, लेकिन क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव आया, यानी कि किसी को एक्सेस मिला और किसी को डेफिशिएंसी मिली, तो कहीं इसका इलेक्ट्रॉन कहीं पे हमने उठा के डाल दिया। तो मान लो इसके ऊपर एक्सेस है तो इसको इलेक्ट्रॉन मिले, कहां से मिले, इन दो प्लेट से, या हो सकता है इससे मिले हो। इसके ऊपर तो श्योर शॉट पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके इलेक्ट्रॉन तो गए, इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। हो सकता है कि ये पॉजिटिव चार्ज हो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज मैं एज्यूम करता हूं तो मैं ये मानता हूं कि इसको इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस मिले तो इन दोनों से मिले। लेकिन ये भी तो हो सकता था कि ये नेगेटिव चार्ज है, कि इसके ऊपर भी एक्सेस कर दूं, इसके ऊपर भी माइनस कर दूं, तो इन दोनों को इलेक्ट्रॉन कहां से मिले, यहां से मिले, ये भी तो हो सकता था। तो इन चार्जेस के लिए तो मुझे पक्का पता है कि मैं ठीक कर रहा हूं, लेकिन इन दो प्लेट्स पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, इसके बारे में मैं अभी बोल नहीं सकता। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो मैंने, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो कुछ भी रैंडमली मैंने यहां पर पॉजिटिव यहां पर नेगेटिव कर दिया। देखो अगर मुझे समझ में आ जाए फिर तो पता ही है कि जैसे मान लो ये चार्ज नेगेटिव है, मान लो ये भी नेगेटिव होता तो गारंटेड ये पॉजिटिव होता, क्योंकि किसी को तो लॉस उठाना पड़ेगा तभी इन दोनों को फायदा हुआ। पर अगर इसको फायदा हुआ तो ये नहीं कह सकते कि इसको लॉस हुआ तो इसको भी लॉस हुआ, क्या आप इसको भी फायदा हो गया हो, तो लॉस का मतलब पॉजिटिव, फायदे का मतलब नेगेटिव। तो इसलिए मैंने रैंडमली कुछ भी इसको पुट कर लिया पॉजिटिव, इसको पुट कर लिया नेगेटिव। आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, आपका आंसर गलत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो पहले मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसके बाद मुझे क्या ढूंढना होता है, इसमें एक आइसोलेटेड सिस्टम। ये आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर बैटरी नहीं आएगी, जिसमें सिर्फ कैपेसिटर की प्लेट्स आपस में कनेक्टेड होंगी जैसे। और ये कहां मिलेगा? ये जंक्शन की तरफ मिलेगा। कैसे? ये एक जंक्शन है जिसके साथ कैपेसिटर की तीन प्लेट्स कनेक्टेड हैं, ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट और ये तीसरी प्लेट। ये एक जंक्शन है, पहली प्लेट, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट। ये एक जंक्शन है, ये प्लेट, ये प्लेट, लेकिन यहां से क्या कनेक्टेड है, बैटरी। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं हो सकता। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए आपको जंक्शन ढूंढना होता है, एक ऐसा जंक्शन जिसके साथ क्या कनेक्टेड है, कैपेसिटर की
प्लेट्स कनेक्टेड है। तो इसके अंदर ये मैंने एक क्या ढूंढा, इसमें आइसोलेटेड सिस्टम नंबर वन, ये रहा। इस जंक्शन के साथ ये प्लेट है, इस जंक्शन के साथ ये प्लेट है, इस जंक्शन के साथ ये प्लेट है, तो ये डॉट डॉट लाइन इसके बीच में से पास करवानी थी, गलती से ऊपर चली गई। तो ये तीनों कैपेसिटर्स के अंदर, ये तीनों कैपेसिटर की प्लेट्स कंसिस्ट ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, कोई डाउट इसमें? ठीक है। उसी तरीके से ये एक जंक्शन है, ये प्लेट है, ये प्लेट है और ये प्लेट है, तो ये भी क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है यहां तक? तो इसमें कितने आइसोलेटेड सिस्टम है? दो आइसोलेटेड सिस्टम है। तो रूल ये कहता है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, मान लो माइनस, इसके ऊपर क्यू वन है, ये क्यू टू है, ये क्यू फाइव है, क्यू थ्री और क्यू फोर है, तो इमेजिन करो इस प्लेट पे कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू वन चार्ज है, इस प्लेट पे कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू थ्री चार्ज है, इस प्लेट पे कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू फाइव चार्ज है, और इसका सम क्या आएगा, इक्वल टू जीरो, क्योंकि किसी को एक्सेस मिला, किसी की डेफिशिएंसी है, तो नेट सम क्या आएगा, इक्वल टू जीरो। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इसका चार्ज, इस प्लेट का टोटल चार्ज नहीं, इस प्लेट का चार्ज, इस प्लेट का चार्ज और इस प्लेट का चार्ज का सम क्या आएगा, जीरो। अगर मैं किरचॉफ का फर्स्ट लॉ सेकेंड जंक्शन पे लगाऊं, तो इस प्लेट पे कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू फाइव, इस प्लेट पे कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू फोर, इस प्लेट पे कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू टू, और इनका सम क्या आएगा, इक्वल टू जीरो। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाना आ गया। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहां लगेगा, जंक्शन के ऊपर लगेगा, और पहले आपको चार्जेस बनाने पड़ेंगे, फिर टोटल सम ऑफ ऑल चार्जेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर, यस सर। व्हीटस्टोन ब्रिज तो अरेंजमेंट है, लेकिन ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज थोड़ी ना है। तुम्हें क्या पता ये रेशो बराबर है कि नहीं, तब से तुम्हें बराबर थोड़ा दूंगा, अनबैलेंस दूंगा। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाना आ गया, अभी तो लगाना सीखेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर इसको अप्लाई करना सीखेंगे। फिर उसके बाद किरचॉफ का क्या है, सेकेंड लॉ। जो सेकेंड लॉ है किरचॉफ का, इट इज इन अकॉर्डेंस विद एनर्जी कंजर्वेशन। पहला था चार्ज कंजर्वेशन, टोटल नेट चार्ज क्या था, जीरो, बाद में भी जीरो। और एनर्जी कंजर्वेशन में क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन में इसी डायग्राम में, इसी डायग्राम में, इसी में, ये रहा, मैं एक क्या लूंगा, क्लोज्ड लूप लूंगा। क्लोज लूप किस, इसको लूप लॉ भी बोलते हैं, लूप लॉ, क्योंकि ये क्लोज लूप में लगती है। तो लूप लॉ या क्लोज लूप क्या होती है, जैसे मान लो मैं यहां से चला, मैं यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया और फिर यहां पे आ गया, तो ये क्या बना, एक क्लोज्ड लूप बन गया। ओके, ये नहीं पसंद, कोई बात नहीं, मैं यहां से चला, यहां पे आया, यहां पे आया, यहां पे आया और यहां पे आ गया, फिर से क्या बन गया, एक क्लोज्ड लूप बन गया। ये भी चलेगा, यहां भी लग सकता है। अच्छा, यहां नहीं लेना, कोई बात नहीं, यहां से चला, ये देखो ये एक क्लोज लूप। अच्छा, यहां नहीं लगाना, यहां लगा लो, ये एक पूरे का पूरा क्लोज लूप। ये देखो मैं यहां से चलता हूं, यहां से चल के, यहां से चल के, यहां से चल के, यहां से चल के, ये देखो क्लोज लूप। कोई भी क्लोज लूप ले लो, सब में लग जाएगा ये। क्या है ये लॉ, लॉ ये बोलता है कि अगर आप मान लो, चलो मैं जो ये लॉ लगाऊंगा, पहले मैं रास्ता फॉर्मलाइज करता हूं, मैं यहां से, यहां से, यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ, ऐसे ये लो, ऐसे लगाऊंगा, ठीक। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मान लो इसके ऊपर चार्ज कितना है Q1, इसके ऊपर कितना था Q3, इसके ऊपर कितना है Q4, इसके ऊपर कितना है Q5 और ये कितना है Q2। अब देखो क्या करूंगा, अगर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाऊंगा, मान लो मैं कहां से कहां जा रहा हूं, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं, कैपेसिटर की प्लेट्स में अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कहां होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यही रूल है,
इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड एज वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं प्लस से माइनस की तरफ जा रहा हूँ मेरा पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कोई डाउट इसमें? तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या? एक्चुअली ये रूल ये बोलता है सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ लूप इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ये बताता है कि एक लूप में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पूरे लूप का क्या आएगा, इक्वल टू जीरो। देखो करके देखते हैं, तो अगर आप यहां से यहां जा रहे हो, प्लस से कहां जा रहे हो, माइनस जा रहे हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलो कितना होगा, क्यू वन बाय सी वन होगा। क्या है पॉइंट, क्लियर है? क्यू बाय सी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्यू वन बाय सी वन क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आप कहां से कहां जा रहे हो, आप पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, आपका पोटेंशियल बढ़ा कि कम हुआ, कम हुआ, क्योंकि जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हो आपका पोटेंशियल कम हुआ, कम हुआ तो साइन क्या लगेगा, नेगेटिव। क्लियर है? जब बढ़ेगा, जब आप प्लस से माइनस पे जाते हो तो कम हुआ, जब आप माइनस से प्लस पे जाते हो तो बढ़ गया, बढ़ने को पॉजिटिव, कम होने को नेगेटिव। तो ये यहां पर क्या हुआ, हम प्लस से माइनस पे जा रहे हैं, पोटेंशियल क्या हुआ, कम हुआ, तो माइनस क्यू वन बाई सी वन। फिर रास्ते में ये कैपेसिटर आया, इसमें फिर से प्लस से कहां जा रहे हैं, माइनस जा रहे हैं, तो क्या पोटेंशियल हुआ, माइनस क्यू थ्री बाय सी थ्री। माइनस इसलिए क्योंकि हम प्लस से माइनस पे जा रहे हैं तो पोटेंशियल कम हुआ, और जब कम हुआ तो इसका मतलब माइनस। फिर लूप कंप्लीट नहीं हुआ, फिर क्या आ गई, बैटरी। बैटरी का मूव करते हुए कौन सा टर्मिनल आया, नेगेटिव, से कहां पे जाना है, पॉजिटिव, तो माइनस लोअर पोटेंशियल प्लस हायर पोटेंशियल। माइनस से प्लस पे आने का मतलब पोटेंशियल का क्या होना, इंक्रीज होना, इंक्रीज होना, यानी कि प्लस वी। लूप कंप्लीट हो गया, इक्वल टू व्हाट, जीरो। क्या ये पॉइंट क्लियर है? आप क्लॉकवाइज घुमा लो, एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, जैसे मर्जी घुमा लो, आंसर सेम आएगा। तो क्या ये रूल क्लियर है? फिर से एक बार देखते हैं। अब हम लूप यहां लगाते हैं, चलो यहां से चल के, यहां से चल के, यहां से चल के यहां पे आते हैं, राइट। तो यहां पर ये Q1 है, ये Q5 है, ये Q2 है। तो प्लस से माइनस पे आ रहे हो, तो प्लस से माइनस पे जा रहे हो, आपका पोटेंशियल कम हो रहा है, तो माइनस Q1 बाय C1। प्लस से माइनस पे आ रहे हो तो माइनस Q5 बाय C5। माइनस से प्लस पे जा रहे हो तो प्लस Q2 बाय C2 मस्ट बी इक्वल टू क्या, जीरो। तो क्या आपको ये लॉ लगाना आ गया, कोई डाउट इसमें, फर्स्ट लॉ भी और सेकेंड लॉ भी? मेंस पे क्या क्वेश्चन आया 2021 का, अभी मैं सीधा वही पूछ वही कर रहा हूँ आपके, मैंने होमवर्क भी दिया था, उसमें था ये क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन है। 2, 4, 6 दो बैटरीज लगी हुई हैं और आपको इनमें चार्ज बताना है, इनमें क्या चार्ज है, तीनों में क्या चार्ज है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को शुरू करें सॉल्व करना मेरे तरीके से, तो आप ऐसा करेंगे, ये प्लस है, ये माइनस है, शुरू में तो चार्जेस बनाने पड़ेंगे ना, प्लस है माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है, ये प्लस है टर्मिनल बैटरी का तो ये भी प्लस है, ये प्लस है तो ये भी प्लस है, यहां तक क्लियर है? अब अगर ये प्लस है तो इसके ऑपोजिट प्लेट क्या है, माइनस है, ये प्लस है तो माइनस है। अब ये जंक्शन है, आइसोलेटेड सिस्टम, ये माइनस है, ये माइनस है, तो गारंटेड ये किसमें है भाई, माइनस माइनस तो एक तो प्लस होगा ही होगा, अगर इन दोनों को एक्सेस इलेक्ट्रॉन मिले तो कोई तो डेफिशिएंट होगा, और डेफिशिएंट कौन होगा, ये प्लेट डेफिशिएंट है, कोई डाउट इसमें, ये भी क्लियर है यहां तक, ठीक। तो ये प्लस है तो ऑटोमेटिकली ये माइनस, चलो चार्जेस डिफाइन हो गए, यहां तक क्लियर है, चार्जेस बन गए। देखो अगर आप सीरीज पैरेलल निकाल सकते हो, देखो उससे अच्छा से कुछ हो नहीं सकता, आपको पता लग गया कौन सीरीज कौन पैरेलल, बात खत्म। इसमें नहीं आएगा क्योंकि दो दो बैटरीज हैं, वैसे ही सीरीज पैरेलल निकाल नहीं पाओगे, मुश्किल होगा। तो इसके लिए किरचॉफ लॉ हम यूज करेंगे। तो मान लेते हैं कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, क्यू वन,
इसके ऊपर कितना है Q2, इसके ऊपर कितना है Q3। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है ऑनलाइन वालों को? क्लियर है? यस सर। ठीक। इसे पॉजिटिव कर दें। कैसे कर दें? कैसे कर दें? इस बैटरी ने इसके पॉजिटिव और इसके पॉजिटिव को ले लिया, इसके इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया, डेफिशिएंसी होगी। इसके भी पॉजिटिव डेफिशिएंसी कर दी, इलेक्ट्रॉन दिए कहाँ? इसको दिए। तो ऐसे कैसे प्लस कर देंगे इसे? माइनस इज कनेक्टेड विद माइनस बैटरी। देखो, जो बैटरी का टर्मिनल है वही कैपेसिटर का टर्मिनल है। ये बैटरी है तो ये टर्मिनल कैपेसिटर का, माइनस माइनस। ठीक है ना? यहाँ तक बैटरी में बड़े वाला टर्मिनल पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव। तो अगर हाँ, वो तो यार डायग्राम प्लस माइनस तो देखोगे ही। ठीक है यहाँ तक। तो ये मान लो चार्जेस हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम की अगर बात करते हैं तो मुझे ये एक आइसोलेटेड सिस्टम नजर आ रहा है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इस आइसोलेटेड सिस्टम में ये प्लेट क्या है? नेगेटिव। तो इस पे चार्ज क्या है? -Q1। ये चार्ज क्या है? -Q2। ये चार्ज क्या है? +Q3 इक्वल टू क्या? जीरो। ये आपकी पहली क्वेश्चन। ठीक है यहां तक। ये चार्ज -Q1 इस प्लेट का लेना है, -Q2 इस प्लेट का लेना है, और इस प्लेट का +Q3 का सम इक्वल टू जीरो। क्लियर है यहां तक? आपको अगर Q1 Q2 Q3 निकालना है तो आपको कुल मिला के कितनी इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी कि Q1 Q2 Q3 आ जाए? तीन, कम से कम तीन तो बनानी पड़ेंगी। एक बन गई, दूसरी बना लेते हैं। दूसरी, ये मैंने मान लो एक इक्वेशन बना दी। जो सेकेंड इक्वेशन है, चलो जो सेकेंड इक्वेशन है उसको बना लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन के अंदर फिर से एक बार यहां पर आ जाते हैं। ये देखो, ये था प्लस, ये था माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ये रहा। और इसके ऊपर चार्ज क्या था? Q1। इसके ऊपर क्या था? Q2। इसके ऊपर क्या था? Q3। शुरू करें। सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है, लूप लॉ है। तो मैं काम करता हूं, मैं यहां से स्टार्ट होके घूम के वापस यहां पे आ जाता हूं। तो जब मैं प्लस से माइनस पे जा रहा हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? -Q1/2। माइनस इसलिए क्योंकि मैं प्लस से माइनस पे जा रहा हूं, मेरा पोटेंशियल कम हो रहा है। फिर मैं प्लस से माइनस पे आ रहा हूं तो मेरा पोटेंशियल फिर से एक बार क्या हो रहा है? कम हो रहा है। फिर मैं माइनस से प्लस पे आ रहा हूं तो प्लस क्या है? 10 इक्वल टू क्या? जीरो। ये लो, आपके पास एक और इक्वेशन तैयार हो गई। दो इक्वेशंस आ गई। तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके। तीसरी ये लेते हैं इक्वेशन। चलो ये लूप ले लें, ये लूप ले लेते हैं, कोई बात नहीं। माइनस से प्लस पे जा रहा हूं तो +Q2/4। माइनस से प्लस पे जा रहा हूं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है। फिर प्लस से माइनस पे आ रहा हूं तो -20। फिर माइनस से प्लस पे, लूप ऐसे कंप्लीट कर रहा हूं ना, तो माइनस से प्लस पे जा रहा हूं तो +Q3/इक्वल टू। तीन इक्वेशंस। अगर बात नहीं बनती, एक और इक्वेशन तैयार हो सकती है। किससे? कि पूरे का पूरा लूप ले लो, चाहे कंप्लीट लूप में एक और इक्वेशन, फिर चार इक्वेशन लिख लेना। तीन वेरिएबल्स हैं, आराम से बैठ के Q1 Q2 Q3 को सॉल्व कर लेना। क्या ये मेथड समझ में आया? देखो, कुछ भी नहीं किया। हाँ, कैलकुलेशन जरूर बन गई। Q1 Q2 Q3 में कैलकुलेशंस है, इक्वेशंस बनेगी, और इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। क्या ये टेक्निक क्लियर है? तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक। बहुत अरे सारी फर्स्ट बुक्स इक्वेशन कैसे? ऐसा नहीं करती,
क्या क्वेश्चन पूछा अभी? चलिए फर्स्ट इक्वेशन बताना कैसे बनेगी। ये वाली, यस सर। ये चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम ढूंढो ना, ये तीन प्लेट्स आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके ऊपर चार्ज माइनस है माइनस क्यू वन, इसके ऊपर चार्ज माइनस है माइनस क्यू टू, इसके ऊपर प्लस क्यू थ्री इक्वल टू जीरो, ये देखो। ठीक है, ओके सर। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में लंबा है, तो एक और टेक्निक है किरचॉफ लॉ को ही यूज करने की, जो मैं ये यूज करूंगा और आपकी बहुत सारी बुक्स भी ऐसे ही यूज करती हैं जो मैं करने जा रहा हूं। अब कौन सी टेक्निक कब लगेगी, इसका कोई रूल नहीं है। आपको अगर वो पसंद आ गया तरीका, ओके, आप वैसे कर लो। अगर आप सीरीज पैरल से सिंपल तरीके से कर सकते हो, हाँ वैसे कर लो। आप नहीं कर पा रहे, आप क्यू वन क्यू टू की क्वेश्चन बना लो, वैसे कर लो। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे तो एक और बढ़िया तरीका है, ये ज़्यादा बढ़िया तरीका है, ऐसे कर लो। कैसे? सपोज करो सेम डायग्राम, सेम प्लस माइनस, एवरीथिंग इज सेम। ये देखो ये प्लस है तो ये प्लस है, ये फिर माइनस है, ये सेम, सब कुछ सेम है। करें स्टार्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो बड़ा टर्मिनल है, मान लो वो 6 वोल्ट पे है, छोटे वाला 0 वोल्ट पे है, बड़े वाला 6 वोल्ट पे है, छोटे वाला 0 वोल्ट पे, ऐसा कई बार मैंने किया। अगर आपने बैटरी लेनी है, मान लो 6 वोल्ट की बैटरी है, तो प्लस टर्मिनल 6 वोल्ट पे ले लो और माइनस वाला 0 पे ले लो। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ताकि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इसमें 6 वोल्ट रहे। हाँ, ये एज्यूम किया है हमने। आप अगर चाहो तो यहाँ V1 V2 ले सकते हो, पर 0 वोल्ट लेने में आसानी हो जाती है, क्योंकि आपको एक वैल्यू पता लग जाती है 0 और एक वैल्यू पता लग जाती है 6 वोल्ट, तो आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है उसमें, क्योंकि अलाउड तो कुछ भी लेना है, डिफरेंस 6 आना चाहिए, तो क्यों ना 6 और 0 लें, ताकि कम से कम दो वैल्यू तो पटे, दो से तो छुटकारा मिले, नहीं तो दो वैल्यू भी ढूंढनी पड़ेंगी, V1 V2 और वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो बेटर है 6 और 0, बेस्ट है। आप हर क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो गया। तो अगर ये 6 वोल्ट है तो ये 6 वोल्ट पे आ गया, तो ये प्लेट भी 6 वोल्ट पे है। अगर ये 0 है तो ये भी 0 वोल्ट पे है, ये भी 0 वोल्ट पे है और ये भी 0 वोल्ट पे है। अगर ये 6 वोल्ट पे है तो ये भी 6 वोल्ट पे और ये प्लेट भी 6 वोल्ट पे है। ये जंक्शन के बारे में मुझे पता नहीं, तो मैंने कितने वोल्ट ले लिया, एक्स वोल्ट ले लिया, मुझे पता नहीं कितने वोल्ट है, एक्स वोल्ट है। तो ये पोटेंशियल्स समझ में आ गए, क्या लिए मैंने पोटेंशियल्स? ऑनलाइन वालों को क्लियर है, ये अजम्पशंस क्लियर है सारी? यस सर। ठीक, देखो अब इसके अंदर अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर जंक्शन लॉ लगाएं, वो आपका जंक्शन लॉ, फर्स्ट लॉ को जंक्शन लॉ बोलते हैं क्योंकि वो जंक्शन पे लगता है, सेकेंड लॉ को लूप लॉ बोलते हैं क्योंकि वो लूप में लगता है। तो अगर हम इसमें जंक्शन लॉ या फर्स्ट लॉ लगाएं तो क्या लॉ लगेगा? इस प्लेट का चार्ज, इस प्लेट का चार्ज एंड इस प्लेट का चार्ज माइनस क्यू वन माइनस क्यू टू प्लस क्यू थ्री इज इक्वल टू क्या? 0। क्या ये पॉइंट क्लियर है? लगा सकते हैं इसमें। देखो ये नहीं कि किरचॉफ लॉ लगाना बंद कर दिया, हाँ कुछ ऐसा किया जिससे हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी। तो हमने ये इक्वेशन लिखी, तो Q3 किसके इक्वल है? Q1 प्लस Q2। ठीक हो गया यहाँ से, राइट? अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको ये बोलूँगा कि मुझे वैल्यू ढूंढ के बताओ किसकी वैल्यू, Q1 की वैल्यू क्या होगी, Q1 की, तो यहाँ पे Q1 पता है क्या होगा? Q1 इज C इंटू V। अब यहाँ का पोटेंशियल 6 वोल्ट है, यहाँ का x है, तो क्या आएगा? 6 माइनस x। क्या ये पॉइंट क्लियर है? Q1 इज इक्वल टू कितना? C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं कहूँ यहाँ Q2 निकालो, Q2 इज इक्वल टू 4 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस में या तो x माइनस 6 होगा या 6 माइनस x होगा, बोलो क्या होगा? 6 बड़ा कि x बड़ा? 6 क्यों बड़ा? बैटरी 6 वोल्ट की है, उससे ऊपर पोटेंशियल कहाँ से आ जाएंगे? ये थोड़ा ना 6 वोल्ट की बैटरी आ रही है, ऊपर 100 100 वोल्ट आ रहा है, ऐसे थोड़ा 6 से कम ही आएगा। तो 6 बड़ा होगा, x छोटा होगा। तो ये स्टेप भी क्लियर है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब इसमें Q3 क्या होगा? Q3 इज इक्वल टू 5 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, बोलो x माइनस 0। तो क्या ये स्टेप क्लियर है सबको? चार्ज मैंने निकाल लिया और मैंने आपको अभी अभी इक्वेशन लिखवाई थी, Q3 इज इक्वल टू Q1 प्लस
Q2. तो आप Q1 की जगह Q1, Q2 की जगह Q2 और Q3 की जगह Q3 पुट कर लें, सॉल्व करें, एक्स एक मिनट में आएगा एक्स। कोई इसमें चार इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी, आप यहाँ पर सॉल्व करें। ये देखो, ये देखो, ये पुट किया, पुट करके क्या निकाल लिया, एक्स निकाल लिया, एक्स आ गया। अब एक्स की वैल्यू आ गई, आपको बोलो कहाँ चार्ज निकालना है। इसमें निकाल के दिखाऊं, इसमें चार्ज क्या है, 5 × x − 0, 5 × x − एक्स तो निकाल ही लिया, आंसर चार्ज। बोलो किसका चार्ज चाहिए, उसका चार्ज आ जाएगा क्योंकि एक्स पता लग चुका है। ये टेक्निक भी अच्छी टेक्निक है। आप कौन सी यूज करोगे या मैं कौन सी यूज करूंगा, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। क्या पता पहली वाली टेक्निक ज्यादा काम आ जाए, किसी में पहली वाली टेक्निक काम आ जाती है, किसी में ये टेक्निक काम आ जाती है। तो मैं कह नहीं सकता कि किसमें क्या टेक्निक काम आएगी, आपको आना सारा चाहिए। तो पॉइंट क्लियर है। तो ये जेई मेंस का क्वेश्चन 2021 का आपको जो शीट में दी है उसमें आपको मिलेगा ये क्वेश्चन सेम। ठीक, ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये टेक्निक। ये शीट मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा, नेक्स्ट टाइम प्रिंट आउट दूंगा इसका, वैसे पीडीएफ सेंड करूंगा, आप नोट कर लेना चाहे, या जो ऑनलाइन है वाले नोट कर लेंगे, दो ही तो पेज हैं, और जो यहाँ आएंगे उनका प्रिंट आउट दे दूंगा। तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये टेक्निक, क्लियर है? यस सर। ठीक, अब इसके बेस पे हम एक काम करते हैं, और किरचॉफ लॉ को लगा के देखते हैं। थर्टी एट नंबर शीट है ये, 38 नंबर शीट है आपकी, एग्जाम्पल्स ऑफ किरचॉफ लॉ, 38 नंबर शीट। देखो ये क्वेश्चन है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर एंड गिवन ईएमएफ, वोल्टेज ऑफ ई टू इज ग्रेटर देन वोल्टेज ऑफ ई एम, मतलब ई टू ग्रेटर देन ई वन। ठीक, तो इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें चार पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, इसका और इसका क्या होगा दो प्लेट्स का। प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम है कि यहाँ पर एक बैटरी नहीं है, यहाँ पर दो बैटरीज हैं। अगर एक बैटरी होती तो बहुत सिंपल था, दो कैपेसिटर किस में कनेक्ट हो जाते हैं इन सीरीज, और सीरीज में कनेक्ट करने के बाद मैं वी को डिवाइड कर देता, आसान था। बैटरी कितनी है इसमें, दो। अब दो बैटरी ई वन और ई टू, तो दो को हमें सॉल्व करना पड़ता है, तो या तो आंसर E2 − E1 आएगा या E1 − E2 आएगा। मैं ये रिकमेंड करता हूँ आप ऐसे मत करें कि E2 − E1 करेंगे, क्योंकि E2 बड़ा है, E1 छोटा है, ये रूल मत लगाएं। आप सिंपली कुछ मत करें, आप किरचॉफ लॉ लगा दें। क्या है किरचॉफ लॉ, ये सब सीरीज हैं, क्योंकि एक वायर के अंदर वही दो बैटरीज हैं, वही दो कैपेसिटर्स हैं, सब सीरीज कनेक्शन है, तो चार्ज की वैल्यू इसमें और इसमें क्या रहेगी, एग्जैक्टली सेम। इंपॉर्टेंट ये है कि चार्ज, ये प्लेट कौन सी है इस बैटरी की, पॉजिटिव, तो यहां पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, तो क्या होना चाहिए, नेगेटिव, पर हुआ नहीं। चलो इस बैटरी की सुन ले, ये बैटरी कहती है कि मैं पॉजिटिव प्लेट हूं, तो यहां पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव। मैंने किस बैटरी की सुनी, E2 की, E1, मैंने E2 की सुनी, मैं E1 की भी तो सेम रूल लगा सकता था, E1 का मैंने लगाया ही नहीं E2 पे, क्यों, क्योंकि E2 ग्रेटर देन, तो जो बैटरी बड़े ईएमएफ की होगी उसी की सुनी जाएगी। तो आप देख लेना कि E2 बड़ा है या E1 बड़ा है, अगर E2 बड़ा है तो फिर साइंस चार्जेस के E2 के हिसाब से देने हैं, और अगर इसी क्वेश्चन में E1 बड़ा होता फिर ये प्लस तो ये भी प्लस हो जाता, इसको छोड़ देते। पहला रूल समझ में आया, जो बैटरी बड़ी है उसके हिसाब से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्लियर। चार्ज होगा बराबर −Q Q Q − Q, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। है चार्ज है तो वायर का पार्ट ना, ऐसे ये क्वेश्चन भी करते थे, अगर बैटरी आ गई तो ये दो कैपेसिटर्स हैं C और C, और ये बैटरी है, अब क्या कहते थे ये दोनों किसमें,
अच्छा ऐसे ले लो, ये एक कैपेसिटर है, ये बैटरी है, फिर एक और कैपेसिटर है। अब इन दो कैपेसिटर के बीच में बैटरी है, अब ये सीरीज में रहेगा। फिर भी देखो पैरेलल में सीरीज में क्यों रहेगा, सिंपल है। सीरीज में इसलिए रहेगा क्योंकि चार्ज जाएगा कहाँ, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा कैपेसिटर में। या तो होता कि बीच में एक जंक्शन आ गया, जंक्शन में एक कैपेसिटर उधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, तो इधर चला गया Q1 इधर चला गया Q2, वो तो हुआ नहीं ना। चार्ज Q1 Q2 क्यों होगा, है तो एक वायर का पार्ट ही, तो इधर से इलेक्ट्रॉन खींचे इधर को दे दिया, इधर से खींच के इधर को दे दिया, तो रहेगा तो एक एक सर्किट का पार्ट, तो ये सीरीज कनेक्शन ही रहेगा। तो मेरे को इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, और कभी कभी ऐसा भी आ सकता है इसमें चार्ज बताओ कैपेसिटर पे क्या होगा। तो अगर आपको चार्ज निकालना है आप लूप लगा दो एक, आपको जंक्शन, इसमें जंक्शन लॉ तो लग नहीं सकता बिकॉज मेरे को जंक्शन है ही नहीं, तो फर्स्ट लॉ तो लग नहीं सकता, आइसोलेटेड सिस्टम भी नहीं है, सेकेंड लॉ तो कहीं भी लग सकता है, तो सेकेंड लॉ लगाएं। सेकेंड लॉ यहाँ से यहाँ घूम के आते हैं, चलो माइनस से प्लस पे जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो क्या आएगा प्लस Q/C1, राइट। फिर प्लस से माइनस पे आ रहे हैं तो क्या आएगा -E2, फिर माइनस से प्लस पे आ रहे हैं तो +Q/C2, फिर माइनस से प्लस पे जा रहे हैं तो +E1=0। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो यहां से मैंने चार्ज को कॉमन निकाल लिया, इसको सॉल्व किया, इसको इसके नीचे ले आया, तो किसकी वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई। कोई डाउट इसमें? ठीक, कोई डाउट इसमें? तो ये क्यू की वैल्यू आ गई। अगर क्वेश्चन आता है चार्ज निकाल लो तो चार्ज आ गया। देखो इसमें हमें कोई हेडेक नहीं है कि E2 में से E1 माइनस करना है कि E1 में से E2 माइनस करना है, अपने आप ही सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। बस आपने चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन सही कर देनी है और लूप सही लगा देना है और साइन कन्वेंशन सही फॉलो करनी है, आंसर आ गया। अब उसने चार्ज निकाल दिया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा फर्स्ट कैपेसिटर में, Q/C1, और इसमें क्या होगा Q/C2। तो Q/C1, Q/C2, Q हम निकाल चुके हैं, तो ये Q यहां पे, ये Q यहां पे, आंसर तो ऐसा आंसर आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो पॉइंट समझ में आया कि किरचॉफ लॉ को कैसे हेल्प कर सकता है इसमें, स्पेशली जहां पर दो दो बैटरीज है ना, दो दो बैटरीज, वहां पर 99% चांस है कि आपका क्वेश्चन किरचॉफ लॉ से ही सॉल्व होने वाला है, क्योंकि बैटरीज को आप ऐसे एडजस्ट ही नहीं कर पाओगे। हमने कोई इक्विवेलेंट बैटरी का कॉन्सेप्ट तो किया ही नहीं कि चार बैटरी में एक बना दो, आएगा इलेक्ट्रिसिटी वो भी आएगा, पर अभी तो नहीं किया ना। तो क्या क्या किया, किरचॉफ एक लूप लगा दो जिसमें सारी बैटरीज आती हो, किरचॉफ लॉ लगा दो, अपने आप ही माइनस प्लस एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि कल को हो सकता है एक बैटरी सीधी एक उल्टी, एक सीधी एक उल्टी एक सीधी, एक कैपेसिटर, अब क्या करोगे, तो किरचॉफ लॉ आपको वो पूरे प्लस, किसी में ईएमएफ प्लस होगी किसी में माइनस होगी, किसी में प्लस होगी किसी में माइनस होगी, अपने आप एडजस्ट करके आंसर दे देगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, उसी तरीके से ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी पॉइंट। अब आप कहोगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, जो पोटेंशियल यहां पे होगा VC वो इस प्लेट पे होगा VC, जो यहां पर होगा VD वो इस प्लेट पे होगा VD, तो बेसिकली तो मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ इस कैपेसिटर का निकालना है। और इस क्वेश्चन को करने का बहुत आसान तरीका है कि ये तीनों किसमें लगा लें, इन सीरीज, जो आंसर आएगा इसके साथ इन पैरेलल, और फिर वो पहला एक डायग्राम, फिर दूसरा डायग्राम, फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का तीसरा डायग्राम, फिर तीसरा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करके वी और क्यू को दूसरा, फिर पहला, हम करते आए हैं, तीन चार डायग्राम बना के वापस करते हैं, वो एक तरीका है। आप उससे अगर क्वेश्चन करने में कंफर्टेबल हो आप उससे कर लो, छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, आप वहां से कर सकते हो मुझे पता है। लेकिन अगर आपको एक नई टेक्निक सीखनी है तो नई टेक्निक लगा लो, देखो कैसे, वही सेम जो भी सीखी, कैसे, यहां पर आपने मुझे बोला ये तीनों किसमें हैं, सीरीज, तो चार्ज सीरीज में क्या रहेगा, एग्जैक्टली सेम, इसमें डिफरेंट होगा, तो मान लो इसमें चार्ज कितना है Q1, तो इसमें कितना है Q2, Q2 और Q2, कोई डाउट इसमें? तो एक चार्ज हो गया Q1 और तीनों पे क्या हो गया Q2, 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 क्लियर है। अब इसमें ये 100 वोल्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल 100 वोल्ट है, नेगेटिव टर्मिनल 0 वोल्ट है, तो अगर ये 100 है तो ये कितना है 100 है, तो ये भी कितना है 100 है, ये भी कितना है 100 है, ये 0 है तो ये कितना है, तो ये भी कितना है और ये भी कितना है 0। तो यहां पर ये 100 है, यहां पर मान लो ये VC है, ये VD है, ये 0 है और ये डायग्राम है। क्या ये डायग्राम क्लियर है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है डायग्राम?
यस सर, यस ठीक। अब देखो रूल, चार्ज इस पे क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू सी वी, कैपेसिटेंस क्या है 6, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो कितना है 100 माइनस 0, लो आ गया चार्ज, कोई तीन डायग्राम नहीं, कोई कुछ किया नहीं, सीधा क्यू इज इक्वल टू सी वी, डन। एक मिनट में बिना कैपेसिटेंस सी पैरल की आंसर आ गया। तो ये भी टेक्निक बढ़िया टेक्निक है, इसको क्या हुआ, बढ़िया टेक्निक है, कभी कभी ये भी काम आएगी। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, तो एक चार्ज आ गया, दूसरा क्यू टू, क्यू टू क्या होगा सी इन टू पोटेंशियल डिफरेंस बोलो वी सी माइनस 100 की, 100 माइनस वी सी, बैटरी 100 वोल्ट की है तो वी सी कम ही निकलेगा, तो 100 माइनस वी सी, क्लियर है। ऐसे यहां पर क्यू टू क्या होगा 6 इन टू वी सी माइनस वी डी, और क्यू टू इज इक्वल टू वी डी माइनस 0। तो ये इक्वेशन आ गई, तो क्योंकि ये भी क्यू टू ये भी क्यू टू, इन दोनों को इक्वेट करके वी सी वी डी का रिलेशन आएगा, इन यहां से सॉल्व करके इन दोनों को इक्वेट करके फिर से वी सी वी डी का रिलेशन आएगा, तो इनको सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं वी सी एंड वी डी, तो फिर माइनस करके वी सी माइनस वी डी कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये टेक्निक क्लियर है ऑनलाइन वालों को, क्लियर है ये, ठीक। यस सर, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक कैपेसिटेंस सी वन है, एक सी टू है, एक सी टू है, एक सी वन है, ठीक। क्या आपको ये व्हीट स्टोन ब्रिज नजर आता है, आता है नहीं, अरेंजमेंट तो व्हीट स्टोन ब्रिज है पर बैलेंस नहीं है, हाँ ये बैलेंस नहीं है, तो यानी कि मैं ये कह नहीं सकता कि सी वन बाई सी टू की रेशियो सी वन बाई सी टू की रेशियो, उल्टा उल्टी रेशियो है, सी वन बाई सी टू नीचे सी टू बाई सी वन है, कोई डाउट इसमें, ऐसे ही है। तो अब मेरा क्वेश्चन है इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, कितना अच्छा होता अगर ये बैलेंस्ड होता, तो सी वन बाई सी टू सी वन बाई सी टू के इक्वल हो जाता, तो मैं इसको हटा देता, हटाने के बाद ये सीरीज सीरीज आपस में पैरेलल, डन। ऐसा है नहीं, और आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। तो अगर आपको इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है तो टेक्निक देखो क्या होगी इसमें, ना तो इसमें कोई आपको सीरीज में दिखेगा और ना ही इसमें कोई आपको पैरेलल में दिखेगा, और निकालनी क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। जब कुछ समझ में ना आए सीरीज पैरेलल, तो फिर एक ही तरीका है किरचॉफ लॉ, तो इस लॉ को लगा के हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, इसके अंदर हम मान लेते हैं कि ये पांच कैपेसिटर्स की जगह एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है जिसकी वैल्यू कितनी है सी इक्विवेलेंट, मान लो पांच कैपेसिटर्स हैं, इन पांच कैपेसिटर्स की जगह हमने एक कैपेसिटर लगा दिया जिसकी वैल्यू कितनी है सी इक्विवेलेंट, और ये किस में कनेक्टेड है, ए और बी पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, क्लियर है यहाँ तक। तो मान लो यहाँ पर मैंने बैटरी भी लगाई होगी इनको चार्ज करने के लिए, और क्यू चार्ज मैंने टोटल इन्हें दिया, ठीक, मैंने इन्हें कौन सा चार्ज दिया, क्यू चार्ज दिया, ठीक, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो मैंने इसको टोटल क्यू चार्ज दिया जो अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, हाँ ठीक है, बैटरी बूटी इमेजिन करो, बैटरी लगाई और क्यू चार्ज दिया, अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है ये, वही चीज मैंने यहां प्रेजेंट की कि देखो मैंने पूरे इक्विवेलेंट सर्किट को क्यू चार्ज दिया, सेम चीज है, पांच की जगह एक बना रहा हूं। तो अगर इसमें यहां का पोटेंशियल वी ए और यहां का पोटेंशियल वी बी, तो क्यू किसके इक्वल होगा, सी इक्विवेलेंट इंटू वी ए माइनस वी बी, सी इक्विवेलेंट इंटू वी ए माइनस वी बी, तो यहां से सी इक्विवेलेंट क्या आएगा, क्यू डिवाइडेड बाय वी ए माइनस वी बी, कोई डाउट इसमें। इसका मतलब अगर मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है उस सर्किट की, तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। इस फॉर्मूले में अगर मैंने आपको वी ए माइनस वी बी की वैल्यू बता दी इन टर्म्स ऑफ सी वन सी टू सी थ्री सी फोर सी फाइव एंड क्यू, तो क्यू से क्यू क्या हो जाएगा कैंसल, तो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का आंसर आ जाएगा। तो मेन चीज मुझे क्या निकालना है, वी ए माइनस वी बी। तो करें स्टार्ट, टेक्निक समझ में आई, तो वी ए माइनस वी बी कैसे निकलेगा, वी ए माइनस वी बी निकालने के लिए आपको चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कैसे, मान लो ये पूरे सर्किट को कितना चार्ज दिया जा रहा था, क्यू, जो अंदर जाके क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट,
तो मान लो ऊपर वाले कैपेसिटर को की लेफ्ट प्लेट पे कितना चार्ज आया, Q1 पॉजिटिव, तो यानी कि कहीं बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड होगा, Q1 पॉजिटिव, तो यहाँ कितना आएगा, टोटल कितना था Q, इसको कितना मिला Q1, बचा कितना Q माइनस Q1, तो Q माइनस Q1, कोई डाउट इसमें? ठीक हो गया, टोटल चार्ज आया Q, इसको कितना मिला लेफ्ट प्लेट को Q1, तो इसको बचा हुआ मिला Q माइनस Q1। तो अगर इसको मिला Q1 तो ऑपोजिट प्लेट को क्या मिला, माइनस Q1। इसको जितना भी पॉजिटिव मिला ऑपोजिट प्लेट को एग्जैक्टली इसका नेगेटिव मिला। यहां तक क्लियर है? अब बारी है इनकी। अब यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बैटरी इन प्लेट्स पे कौन सा चार्ज प्रोड्यूस करेगी, नेगेटिव। एक तरफ पॉजिटिव तो एक तरफ नेगेटिव, क्योंकि इन प्लेट्स का चार्ज इलेक्ट्रॉन निकाल के इन प्लेट्स को मिला हुआ है, तो इधर पॉजिटिव डिफिशियंसी है तो इधर एक्सेस है, तो इन ये वाली प्लेट्स क्या होंगी, नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज कितना होगा, उतना ही होगा जितना यहां से गया, यहां से कितना गया, ये गया और ये गया, उधर भी कितना होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल सर्किट्स में कैसे की जाती है, ध्यान से देखना। अगर ये C1 है और इसके लेफ्ट की तरफ कितना चार्ज है, Q1 है, तो ये C1 है, इसके राइट की तरफ कितना चार्ज होगा, माइनस Q1, एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट। अगर ये C2 है और ये भी कितने C2 है, इसके लेफ्ट की तरफ ये चार्ज है Q माइनस Q1, तो यहां पे कितना चार्ज होगा, माइनस Q माइनस Q1। अब चेक कर लो, जितना ये चार्ज है एग्जैक्टली उसका नेगेटिव चार्ज यहां पे आ गया। क्लियर है यहां तक? इसके बाद अगर ये नेगेटिव है तो ये चार्ज पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो ये चार्ज पॉजिटिव है। अब ये प्लेट पॉजिटिव है, ये प्लेट नेगेटिव है, देखो इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, तो मैंने क्या मान लिया, एक्स। अगर ये एक्स है तो ये कितने, माइनस एक्स। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है यहां तक? ऑनलाइन वालों को समझ में आया कैसे किया, एक्सेप्ट इसके कि अगर मेरे को क्वेश्चन आया तो मैं कैसे करूंगा ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपको चाहिए नहीं, चिंता मत करो। जो मैंने की वो समझ में आया कि ऐसे करके मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इतने टेंस होने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन वालों को? हाँ। क्लियर है? सर वो एक्स वाला चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया वो एक्स वाला देखो बता ना, दो। ये चार्ज, ये प्लेट नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये मुझे क्या पता, देखो ना, नेगेटिव का मतलब फायदा हो गया, गेन हो गया, पॉजिटिव का मतलब लॉस, लॉस में है। तो ये तीन कोई गेम खेल रहे थे, ये फायदे में है, ये लॉस में है, तो गेम के अंदर तुम कैसे कह सकते हो कि ये फायदे में होगा कि लॉस में होगा? मैंने इसको एक्स लिया, लॉस ले लिया, मतलब पॉजिटिव लिया, पर आप इसको माइनस एक्स भी ले सकते थे, आपकी मर्जी है, तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं। पर पॉइंट समझो, तीन लोग खेल रहे हैं ना, एक गेन में है, तो तुम्हें क्या पता दो फायदे में है कि गेन में है, अब कह नहीं सकते। तो पॉइंट समझ में आ रहा है ऑनलाइन वालों को? यस सर। ठीक है, तो कुछ भी ले लो फिर, एक्स ले लो, और क्या कर सकते हो, हद से हद क्या होगा, आपने उल्टा ले लिया, मान लो चलो आपने गलती कर दी, आपने उल्टा ले लिया, तो कोई बात नहीं, आपका जो एक्स आएगा ऑटोमेटिकली नेगेटिव में आ जाएगा, बस फाइनल आंसर नेगेटिव में। अगर आपने सही लिया तो एक्स पॉजिटिव में आ जाएगा, तो उसमें कोई टेंशन नहीं। तो इसमें जब मैं एक आइसोलेटेड सिस्टम ढूंढूंगा, तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इस आइसोलेटेड सिस्टम में ये चार्ज -Q1 है, ये चार्ज Q-Q1 है, और ये एक्स है, इन तीनों का सम इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो इन तीनों का सम इक्वल टू जीरो, तो यहां से किसकी वैल्यू आएगी, एक्स की। कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो आपने एक्स निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ Q1 एंड Q, एक टर्म आ गई। अब ध्यान से देखना मैं क्या करूंगा, अब इसमें मुझे ढूंढना क्या है, Va-Vb, Va-Vb, Va-Vb ढूंढने के लिए मैं कहां से कहां जाऊंगा, ए से बी जाऊंगा, ए से बी जाऊंगा, राइट। जब मैं ए से बी पे जा रहा हूं, ध्यान से देखना, जब मैं ए से बी पे जा रहा हूं, रास्ते में क्या पॉइंट आ रहा है, डी, इसका भी तो कोई पोटेंशियल होगा। ट्रिक देखना, ट्रिक इंपॉर्टेंट है, ट्रिक, मैं कहां से कहां जा रहा हूं, ए से बी, और बीच में क्या पॉइंट आ रहा है, डी। मैं क्या निकालना चाहता हूं, Va-Vb, Va-Vb रास्ते में क्या आ रहा है, Vd। तो एक काम करो, आप निकालना चाहते हो Va-Vb, रास्ते में क्या आ रहा है, डी, तो आप डी के पोटेंशियल को माइनस कर दो और डी के पोटेंशियल को इसी में ऐड कर दो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, क्यों,
क्योंकि जब आप इसे माइनस और प्लस कर रहे हो तो आंसर फिर से वही सेम आ रहा है। तो कुछ नहीं करना, आपने ढूंढना है वी ए माइनस वी बी, रास्ते में क्या आ रहा है डी, तो आपने वी ए माइनस वी बी वाली टर्म में माइनस वी डी और प्लस वी डी कर लेना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अब उसी तरीके से अगर आपने जाना होता ए से लेके बी, फिर से ले आपने कहाँ से कहाँ जाना है, मान लो ए से लेके बी जाना है पर इस रास्ते से जाना है, ये भी तो रास्ता है, तो ए और बी के बीच में क्या दो पॉइंट्स आ रहे हैं, एक डी आ रहा है और एक ई आ रहा है। तो आप जब ये रास्ता फॉलो करते हो ए डी ई बी, तो ए और बी के बीच में कौन आ रहा है, डी और ई, तो वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल टू, देखो डी आ रहा है तो माइनस वी डी प्लस वी डी, ई आ रहा है माइनस वी ई प्लस वी ई। तो आप चेक करो इसमें ये टर्म्स ऑटोमेटिकली कैंसिल, आंसर सेम आएगा, क्लियर है? तो आपने क्या करना है, आपने ये इक्वेशन लिखी, आपको वी ए माइनस वी डी ढूंढना है, ये रहा वी ए ये रहा वी डी, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बोलो क्या होगा, इसमें वी ए माइनस वी डी को क्या लिखेंगे, क्यू वन बाय सी वन, ऐसे वी डी और वी बी को क्या लिखेंगे, रास्ते में ये आ रहा है दिस चार्ज बाय सी टू, तो आपके पास क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आपने पुट कर दी, तो क्या आ गया वी ए माइनस वी बी। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? तो आपने आपके रास्ते में क्या आ रहा था, वी ए माइनस वी डी, तो यहाँ से निकाल लिया क्यू वन बाय सी वन, वी डी माइनस वी बी यहाँ से निकाल दिया क्यू बाय सी टू। कोई डाउट इसमें, ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? यस सर। ठीक, एक्सेप्ट इसके कि हम कैसे करेंगे ये सब कुछ, उसकी टेंशन मत लो। ठीक, ऑब्वियसली यार तुम कैसे करोगे, इतना इतने स्टेप्स कैसे याद रखोगे, बताता हूँ। अब उसी तरीके से आपको इसमें क्या ढूंढना है, वी ए माइनस वी डी, तो मैंने बताया ना वी ए माइनस वी डी इज इक्वल टू क्यू वन बाय सी वन, आपको ढूंढना है वी डी माइनस वी वी ई एक्स डिवाइडेड बाय सी थ्री, एक्स बाय सी थ्री, आपने ढूंढना है वी ई माइनस वी बी क्यू वन बाय सी वन, ये देखो ये तीनों वैल्यूज यहाँ पुट कर दी, क्लियर है यहाँ तक? तो आपने यहाँ से ये सारी वैल्यूज ढूंढी, अब आपने ये भी वी ए माइनस वी बी ढूंढ लिया, ये भी सेम ढूंढ लिया, आपने कुछ नहीं करना, इन दोनों वैल्यूज में से रादर इन तीनों इक्वेशन में से, इन तीन एक्स की जगह तो यहाँ पुट करना ही पड़ेगा ना आपको, एक्स की वैल्यू तो आपने पुट करी थी यहाँ पे एक्स बाई सी थ्री, मुझे वी ए माइनस वी बी ढूंढना है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्या ढूंढना है, क्यू ढूंढना है, क्यू वन नहीं ढूंढना, क्यू वन तो मैंने अज्यूम किया था, तो आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके क्यू वन को एलिमिनेट करो इन टर्म्स ऑफ वी ए माइनस वी बी, और क्यू वन को एलिमिनेट करके वी ए माइनस वी बी ढूंढ के यहाँ पुट करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। अब आपके मन में आ रहा है कि यार ये तो बड़ा यार लंबा क्वेश्चन हो गया, पहले तो ये ढूंढो, फिर चार डिस्ट्रीब्यूशन करो, फिर उसके बाद वी ए माइनस वी बी ढूंढो, फिर सॉल्व भी करो, मतलब ये क्वेश्चन करो कि बाकी पेपर करो, क्या करें? तो आपने एक फॉर्मूला याद रखना है इसका, ये फॉर्मूला बनाया, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, इतना प्रूफ कौन ही करने वाला है, कोई नहीं करने वाला, छोटे क्वेश्चन में तो कर सकते हैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, नहीं आएंगे, कोई टेंशन नहीं, नहीं आएंगे, पर अगर आपको क्वेश्चन सीधा ऑब्जेक्टिव में आ गया, आप सोच रहे होंगे नहीं आएंगे तो क्यों डाला, क्योंकि आपकी बुक्स के अंदर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गिवन है और सेम क्वेश्चन गिर है और हर बार बच्चे लेके आते हैं कि कैसे किया, और प्रूफ के अंदर ये पूरी कहानी लिखी हुई है, हम नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे सी वन सी टू सी टू सी वन, बीच में कोई चक्कर नहीं, जो भी हो, मान लो ये सी थ्री है, तो अगर रेशियो उल्टी गिवन हो सी वन सी टू सी टू सी वन, तो हम ये फॉर्मूला याद करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। लिखने का तरीका कैसे याद करेंगे, इसमें लिखने के तरीके में पहले लिखो सी वन सी टू सी टू सी थ्री सी थ्री सी वन, सारे कॉम्बिनेशन आ गए, डिवाइडेड बाई सी वन सी टू सी थ्री, यहाँ भी दो लगा दो, यहाँ भी दो लगा दो, आंसर हो गया याद, हो गया फॉर्मूला याद हो गया। अब कैसे याद करें, ऐसे याद करेंगे, तो ये इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। तो आज के बाद अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव आए, सब्जेक्टिव एनसीईआरटी में तो आएगा नहीं, आएगा तो ऑब्जेक्टिव आएगा, तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और काम खत्म करेंगे। तो पॉइंट समझ में आया यहाँ तक कि कैसे इन टाइप की प्रॉब्लम्स को करना है, ठीक है? इसके अलावा अगर देखो, ये तो स्टार्टिंग है, अभी हम बहुत डिटेल में गए नहीं इसके, किरचॉफ लॉ की एप्लीकेशन पे बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स आपकी बुक्स में भी गिवन होंगे, जो लोग एच सी वर्मा पढ़ते हैं उनमें तो बहुत ही गिवन होंगे,
उनमें तो बहुत बड़े बड़े अच्छे खासे सॉल्यूशंस हैं उसमें। तो अगर किसी को वो करना है या करना हो कि मैं और सीखना चाहता हूँ, हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप कहोगे मेरे पेपर्स में आएगा नहीं, मुझे पता नहीं आएगा, नहीं आएगा, हाँ वैसे सीख लें आप, चलो सीख लें, सीख लेते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं आपको एक वीडियो पोस्ट कर दूंगा, वो मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं उस टाइप के पूरे बहुत ही बड़े सॉल्यूशंस हैं, तो आप वहाँ से उसको रेफर कर सकते हैं, ठीक। पर मेरे हिसाब से रिक्वायरमेंट है नहीं। आप खुद सोचो आपके एग्जाम में जब ये करने को आएगा, मेंस में स्पेशली, यार आप कैसे इतनी बड़ी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मुश्किल है करना। किरचॉफ लॉ पे एक ऐसी प्रॉब्लम आई, वो मैंने आपको करवा दी, हाँ उस लेवल की प्रॉब्लम आती है, उससे बड़ी भी थोड़ी बहुत आ जाती है, ऐसा नहीं है, पर इतनी बड़ी नहीं आती कि लोग उसको सॉल्व ना कर पाए। क्लियर है यहाँ तक? तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर, यस सर। ठीक है। और वैसे भी जो क्वेश्चंस, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें मेरा मानना है कि बहुत टाइम लग रहा है, चलो आपको एक क्वेश्चन आता है पेपर में, आपको मालूम है कि क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा सा लंबा क्वेश्चन था और 12-13 मिनट तो ले जाएगा, बिलीव मी वो आपका पूरा सिस्टम डाउन कर जाएगा, वो हो या ना हो, पर आपके वो 4-5 क्वेश्चन तो उड़ा के जाएगा, पक्की बात है। तो रिकमेंडेड ही नहीं है, क्यों ऐसे क्वेश्चन किसको दिखाना है आपने कि मैंने ये क्वेश्चन करके रैंक लिया था, क्या जरूरत है? तो आप पहले उन क्वेश्चन पे फोकस करेंगे जो इजी हैं और जिनसे वेटेज तो इक्वल है ना, नंबर तो फिर 4 ही मिलने हैं, इसके भी 4 मिलने हैं, उसके भी 4 मिलने हैं, इवन हम तो कहते हैं केमिस्ट्री के 2 आते हैं, भैया केमिस्ट्री के 2 ही कराओ, कोई बात नहीं, ये मत दिखाओ कि फिजिक्स में करके आए, नंबर चाहिए एटलीस्ट करेक्ट, करेक्ट ज़्यादा चाहिए उसमें। तो फिजिक्स के सेक्शन में जो भी क्वेश्चंस आएंगे या आपको लगता है, वैसे तो प्रैक्टिस आपको कि मुझे कैसे पता लगेगा ये लंबा है कि छोटा है ना, आइडिया कैसे होगा, जब आप 1 साल में बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे आपको कोर्स बिल्कुल पता लग जाएगा कि क्या कोर्स है, आपको ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट से अंदाज़ा हो जाता है कि ये क्वेश्चन लंबा जाएगा या ये क्वेश्चन इस रेंज में जाएगा, आपको सब आइडिया हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट को नहीं पता लगता, तो आपको आइडिया हो जाएगा। आप वहाँ से खूब प्रैक्टिस करने के बाद जब मॉक टेस्ट देते हैं, जैसे आजकल मेंस वालों के पीसीएम के मॉक टेस्ट चल रहे हैं, तो आजकल पीसीएम सारे टीचर लेते हैं, पीसीएम मैं अकेला ही लेता, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, सर को जब मैथ्स केमिस्ट्री पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ लेकिन टेस्ट कॉम्बिनेशन में लेते हैं, क्योंकि यार हमें टाइम मैनेजमेंट सिखानी है ना, सिर्फ पी का क्या करके क्या करेंगे, तो पीसीएम के साथ फॉर्मेट के साथ काम करेंगे, अभी नहीं करेंगे थोड़े टाइम में करना शुरू करेंगे, ताकि हमारी स्पीड मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत लोगों को बाद में पता लगता है कि यार मैं तो टाइम ही बहुत मेरा कंज्यूम हो रहा है, जब 1 घंटे का पेपर देता हूँ ठीक हो जाता है, तो पता लगता है केमिस्ट्री ज़्यादा टाइम खा गई या फिजिक्स ज़्यादा खा गया या मैथ्स या बायो, तो पता ही लगता है टाइम का, अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं हुई तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले नॉलेज एक्वायर करते हैं फिर पीसीएम वाले उसके ऊपर काम करेंगे। तो ऑनलाइन वालों को भी क्लियर आएगी? यस सर। ठीक है, ओके। जो नेक्स्ट है, देखो एक जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके एनसीईआरटी की बुकलेट में है, टॉपिक का नाम है वेंडीग्राफ जनरेटर। वेंडीग्राफ जनरेटर को लेके हमेशा एक कंट्रोवर्सी रही है, ये सिलेबस में है या सिलेबस में नहीं है, 2 साल से तो ये था नहीं, ये मुझे पक्का, कोविड के अंदर ये नहीं था, कोविड चला गया अब आ गया मुझे पता नहीं, आप सिलेबस चेक कर लेना कि ये इसका कोविड से क्या लेना देना है मुझे पता नहीं, ठीक है। पर ये हाँ हम ये कर क्यों रहे हैं, पॉइंट है सही है, जितनी देर में हम सिलेबस चेक करेंगे उतनी देर में मैं आपको वेंडीग्राफ जनरेटर करवा दूंगा, तो हम इंस्टेड की मैं कहूँ चलो गूगल देखो सिलेबस में है कि नहीं, उसकी डिस्कशन करें, आधी साइट्स कहेंगी है आधी नहीं है, उतनी देर में वेंडीग्राफ जनरेटर खत्म, तो कर लेते हैं 2 मिनट का तो काम है। देखो वेंडीग्राफ जनरेटर नॉलेज से ही सही, वैसे पिछले 7-8 साल से मैंने इस क्वेश्चन को ऐसा देखा नहीं वैसे, लेकिन मैंने ये नहीं कहा ये सिलेबस में नहीं है, सिलेबस आप चेक करना, लेकिन हाँ मेरे एक्सपीरियंस से ये मैंने देखा नहीं इसको आते हुए। तो वेंडीग्राफ जनरेटर के अंदर आपने अगर ऐसा देखा हो कि वो एनिमेटेड सीरीज आती है मिस्टर बीन्स की, वो घूम रहा होता है ऐसे ही कुछ भी, मिस्टर बीन्स कार्टून कुटून आते हैं, तो स्पेशली जो अंग्रेज लोग कार्टून बनाते हैं वो फिजिक्स की लैब में बंदा जाता है, एक लैब में वो टच करता है एक स्फेयर को, उसके बाल खड़े हो जाते हैं,
ऐसे बहुत फोटो देखी होंगी फिजिक्स वालों की आप, वो वेंडी ग्राफ जनरेटर टच करता है, क्योंकि वेंडी ग्राफ जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो कि बहुत हाई पोटेंशियल डेवलप कर देती है। तो जब आप उसे टच करते हो आपकी बॉडी भी हाई पोटेंशियल पे आ जाती है, और सबसे ज़्यादा असर किसको दिखेगा? हेयर, बालों को। बाल तो वैसे ही बहुत पतले हैं, तो उसे चार्ज, हम तो कॉम करते हैं तो भी चार्ज आ जाता है, सबको पता है। तो ये तो फिर वेंडी ग्राफ जनरेटर है, तो वहाँ से ये पूरा फिनोमेन है। चलो तो स्टार्ट करते हैं वेंडी ग्राफ जनरेटर। वेंडी ग्राफ जनरेटर क्या करेगा? इट इज़ यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाई पोटेंशियल डिफरेंसेस ऑफ ऑर्डर ऑफ मिलियन वोल्ट्स, मतलब 2, 4, 5, 6, 100, 200, 400 वोल्ट नहीं, मिलियन वोल्ट्स का पोटेंशियल अगर चाहिए तो ये वेंडी ग्राफ जनरेटर इतना डेवलप कर देता है। तो मिलियन वोल्ट्स के लिए क्या करना पड़ेगा? वो कहता है एक स्फेयर लो, एक कंडक्टिंग शेल लो या स्फेयर लो, उस स्फेयर के ऊपर बहुत सारा चार्ज डेवलप करना पड़ेगा, मान लो क्यू। अब वो बहुत सारा चार्ज कैसे होगा? उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे धीरे धीरे। जब इलेक्ट्रॉन दो निकालोगे, चार निकालोगे, 200 निकालोगे, 1 लाख निकालोगे, फिर 1 लाख निकालते जाओ। अब इलेक्ट्रॉन निकालने का प्रोसेस इतना सिंपल नहीं ना कि आपने मशीन लगाई और एकदम इलेक्ट्रॉन निकल गए, ऐसा नहीं है, टाइम लगता है उसमें इलेक्ट्रॉन निकलने में। तो ये वेंडी ग्राफ जनरेटर इंस्टेंटली वी जनरेट नहीं करता, थोड़ा टाइम लेता है। इसके स्टार्ट होता है, इट टेक्स टाइम। तो धीरे धीरे आप देखेंगे इसमें पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता, क्योंकि शेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकालते जाते हैं हम। और एक शेल जब बहुत सारा चार्ज क्यू डेवलप कर देता है, बहुत ज़्यादा चार्ज, तो उसके ऊपर क्या डेवलप हो जाता है? वी डेवलप हो जाता है 1/4πε0Q/R। तो बहुत सारा चार्ज है तो बहुत हाई पोटेंशियल कैन बी डेवलप। तो मेन काम क्या है? बहुत सारे चार्ज को बाहर निकालना, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? पहला पॉइंट, करेंगे क्या बहुत हाई पोटेंशियल, करना क्या है ऐसी? नहीं, हाई पोटेंशियल कहाँ काम आएगा? अगर आप एक शेल में बहुत हाई पोटेंशियल डेवलप कर लें, जैसे कि इसमें मैंने कर लिया, मान लो बहुत हाई पोटेंशियल है शेल की सरफेस के ऊपर और इनसाइड, वी क्या रहता है? सेम। अंदर एक आयन रखा जाता है, एक पॉजिटिव आयन है क्यू। उस पॉजिटिव आयन को जब बहुत हाई पोटेंशियल मिलता है तो उसको एनर्जी मिलती है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इंटू पोटेंशियल। वो एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लेके चार्ज मूव करता है विद अ वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी और किसी टारगेट को जाके हिट करता है। तो आपने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में बहुत एक्सपेरिमेंट सुने होंगे, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल आया, उसने एक टारगेट को हिट किया। भाई वो मूविंग चार्ज पार्टिकल इतनी हाई जो एनर्जी है वो एक्वायर कैसे करके लेके आया? आप कहोगे उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, वो मूव कर गया, हाई एनर्जी हो गई। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना ही चार्ज प्रोड्यूस कर लोगे, प्लेट्स में कितना ही चार्ज प्रोड्यूस कर लोगे, बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हो सकता। तो मशीन लेनी पड़ेगी वेंडी ग्राफ जो बहुत हाई पोटेंशियल डेवलप करेगा, बहुत हाई एनर्जी देगा इस आयन को, और बहुत हाई एनर्जी से वो किसी टारगेट को हिट कर पाएगा। क्लियर है? जैसे किसी को एटम के अंदर पेनिट्रेट करना है अंदर वाले शेल्स में, तो बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो आम इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा अंदर पेनिट्रेशन होती है, तो ऐसी मशीन चाहिए होती हैं जो बहुत हाई पोटेंशियल से, बहुत हाई एनर्जी देके उसको मूव करवा के हिट करवाती है। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? क्या है वेंडी ग्राफ जनरेटर? तो वेंडी ग्राफ जनरेटर बहुत हाई पोटेंशियल डेवलप करता है। इसके क्या प्रिंसिपल हैं? इसके दो दो प्रिंसिपल हैं, लोगों वैसे नॉर्मली एक होते हैं, इसके दो प्रिंसिपल्स हैं। देखो क्या, देखो पहला प्रिंसिपल है, इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। ये एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स क्या होता है? एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स होता है कि अगर आपके पास बहुत तीखे तीखे पॉइंट्स हैं, शार्प पॉइंट्स, कैसे? ये देखो, ये देखो, ये कॉम्ब है, मेटल का बना हुआ कॉम्ब है, और ये जो इसके पॉइंट्स हैं ये बहुत तीखे हैं, आगे के ये बहुत तीखे हैं, ऐसे रेडियस इज वेरी लेस। तो अगर मैं इसको बहुत हाई टेंशन बैटरी या एक्सट्रीमली हाई टेंशन बैटरी के साथ कनेक्ट करूं, एक्सट्रीमली हाई टेंशन बैटरी इसको चार्ज देगी, चार्ज कहाँ आएगा? इसकी सरफेस पे आएगा। सरफेस पे चार्ज कैसे आएगा? ऐसे आएगा। अब प्रॉब्लम क्या है? जगह तो थोड़ी है, चार्ज ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा है, जगह थोड़ी है, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी चार्ज की? बहुत बहुत हाई, ज़्यादा। हमने डिस्कस भी किया था, जितना रेडियस कम होगा
छोटे स्फेयर्स होंगे, चार्ज उतना ही ज्यादा। इसमें तो बहुत ही छोटा स्फेयर लिया हमने, बहुत छोटा रेडियस लिया, तो चार्ज यहाँ पर बहुत ज्यादा, पोटेंशियल यहाँ पर बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा, इतनी ज्यादा कि बस चार्ज गिरने को आया पड़ा है कि मैं गिर जाऊं, गिर तो सकता नहीं है। तो क्या करेगा ये, एयर के एटम को क्या कर देगा, आयनाइज कर देगा। याद है कैपेसिटर जब स्टार्ट किया ओवरफ्लो, तो एयर के एटम को क्या करेगा, आयनाइज करेगा। एयर के एटम को आयनाइज करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन चुरा लेगा, पॉजिटिव खत्म। इसको तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, पीछे से हाई टेंशन बैटरी इसको और पॉजिटिव दे देगी, पर इसको तो फर्क पड़ गया ना, एयर का एटम यहां पर क्या चार्ज ले गया, पॉजिटिव, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इसने इस शार्प एंड से ले लिया, तो यहां पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ऐसे यहां पे एयर का क्या आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। एयर के जो जो इसके कांटेक्ट में एयर के एटम आते जाएंगे वो फटाफट पॉजिटिव होते जाएंगे, क्योंकि इसको चार्ज की कमी नहीं, बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद अ वेरी हाई, एक्सट्रीमली हाई टेंशन बैटरी। क्लियर है? तो आपको नहीं लगता ये हवा में एटम पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, और ये कहां मूव करेगा, टूवर्ड्स राइट मूव करेगा, और एटम आएंगे वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, टूवर्ड्स राइट, हवा चलनी स्टार्ट हो जाएगी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एयर स्टार्ट मूविंग विद अ पॉजिटिव, हवा में पॉजिटिव चार्ज मूव करना शुरू हो जाएगा। इसको कभी कभी फिजिक्स में कोरोना डिस्चार्ज भी बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज, ठीक। अदरवाइज इट इज नोन एज एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट, कि एयर इतना चार्ज होना इन इन टिप्स पे कि एयर भी क्या हो जाए, आयनाइज हो जाए, ठीक। और दूसरा प्रिंसिपल ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो दूसरा प्रिंसिपल द प्रॉपर्टी, कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो वो चार्ज हमेशा कहां पर आ जाए, उसकी सरफेस के ऊपर आ जाता है। तो पता ही हमें कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि चार्ज कहां पर आ जाए, उसकी सरफेस के ऊपर आ जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, अगर मैं सिंपल डायग्राम से बनाता हूँ तो देखो, इसके अंदर हमने क्या करना है, एक मेटल का कॉम नीचे लेना है, इट इज़ कनेक्टेड बाय एक्सट्रीमली हाई टेंशन बैटरी। एक मेटल का कॉम ऊपर लेना है और ये एक स्फेयर के साथ आगे फर्दर कनेक्टेड है, मेटल के शेल के साथ, ये भी कंडक्टर, ये भी कंडक्टर। इसके सामने एक पुली है, इसके सामने पुली है, पुली के ऊपर एक बेल्ट चल रही है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बेल्ट है जो मूव करती जा रही है, ठीक। यहां पर एक आयन है, आयन पड़ा हुआ है क्यू चार्ज का, और ये पोटेंशियल इसको वी मिलेगा, तो ये मूव करके टारगेट को हिट करेगा। मेन चीज ये है, जब हाई टेंशन बैटरी ने यहां पर कौन सा चार्ज दिया, पॉजिटिव, इसके अंदर जो एटम होगा वो क्या हो जाएगा, आयनाइज। आयनाइज होके वो प्लस चार्ज लेके थोड़ा दूर भागेगा, दूर भागेगा तो इसके ऊपर बेल्ट के ऊपर आ जाएगा, बेल्ट इज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इसके ऊपर चार्ज टिक सकता है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के ऊपर चार्ज आके बैठ गया, यहां से आता जा रहा है, यहां बैठ रहा है, ये बेल्ट कहां जा रही है, ऊपर, तो ऊपर क्या कैरी करके लेके जा रही है, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज ऊपर पहुंचा, ये कंडक्टर का बना हुआ है, कंडक्टिंग मटीरियल, तो इस कंडक्टर पे क्या होगी, इंडक्शन, इंडक्शन से यहां पर टिप पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। ये इतना ठीक है कि, और ये नेगेटिव है तो पीछे की तरफ कौन सा चार्ज आ गया, मेटल पे, तो स्फेयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो गया। ये इतना ठीक है कि यहां पे एटम को क्या कर रहा है, आयनाइज, आयनाइज कर दिया इसने, पॉजिटिव को खींच लिया इसके, आयनाइज कर दिया, तो ये नेगेटिव चार्ज जाते हुए पॉजिटिव को क्या कर गया, न्यूट्रलाइज, और ये बेल्ट फिर खाली आ गई, नीचे से फिर चार्ज को उठा रही है, फिर ऊपर लेके जा रही है, फिर चार्ज डिपॉजिट हो रहा है, न्यूट्रल होकर फिर वापस आ रही है। तो दो बार एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स हो रहा है, एक नीचे और एक ऊपर, पहले यहां पर पॉजिटिव, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स, तो यहां पर पॉजिटिव, पॉजिटिव ये ऊपर लेके गया, बाय इंडक्शन नेगेटिव, बाय इंडक्शन पॉजिटिव, तो नेगेटिव ने नेगेटिव की हवा चलाई, जाते हुए पॉजिटिव को कैंसिल कर गया, और फिर ये चार्ज इकट्ठा करके ऊपर। ये वेंडीग्राफ जनरेटर है, बहुत टाइम के बाद बहुत सारा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, बहुत बड़ा वी हो जाएगा, बहुत एनर्जी लेके ये आयन जो है इसे हिट करेगा टारगेट को। बिल्कुल टोटल सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है ये, इसमें ऑब्जेक्टिव का कोई लेना देना नहीं है। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, ठीक, सिलेबस में है कि नहीं वो आप चेक कर लेना, अदरवाइज इतना किया ये, ठीक। और लास्ट टॉपिक आपका इसमें एनसीईआरटी में ये रहा, पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलराइजेशन डेंसिटी।
अच्छा ये जो बाकी जो इसमें लगा रखा है ना ये मटेरियल, बीच में नाइट्रोजन गैस है ताकि चार्ज कोरोना चार्ज डिस्चार्ज हवा में ना निकल जाए कहीं, तो कंटेनर से बंद कर दिया, अर्थिंग कर दी, इतना हाई चार्ज जा रहा है, इंडक्शन ही हो जाए तो अपने को वैसे ही जो है शॉक लगेगा हर मेटल की बॉडी से, अर्थिंग कर दी, अपने मतलब की नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है पोलराइजेशन डेंसिटी। ओके, तो टॉपिक का नाम है पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी जो वर्ड है ये कहाँ से आ रहा है? पोलराइजेशन से। पोलराइजेशन किस मटेरियल की होती थी? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। तो अगर आपको याद हो तो हमने ऐसा किया था कि अगर आपके पास कोई भी एक प्लेट ऑफ कैपेसिटर है और आपने इस प्लेट ऑफ कैपेसिटर के बीच में क्या रखा? एक डाई इलेक्ट्रिक रखा, तो प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना? ई नॉट। तो यहां पर क्या हो जाती थी? पोलराइजेशन। यहां पर हो गई पोलराइजेशन। ये देखो, पोलराइजेशन से अंदर क्या डेवलप हो जाता था? ई ऑफ पी। तो नेट ई की वैल्यू क्या होती थी? ई नॉट माइनस ई पी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ई नॉट माइनस ई पी, ऐसा ही किया था हमने। तो पोलराइजेशन डेंसिटी किसे बोलते हैं? पोलराइजेशन डेंसिटी है कि सपोज करो आपका यही डाई इलेक्ट्रिक है जिसको मैंने कैपेसिटर के बीच में रख दिया, रख दिया, इसके एटम्स की क्या हो गई? पोलराइजेशन हो गई। ठीक है, पोलराइजेशन हो गई। पोलराइजेशन में नेगेटिव एंड पॉजिटिव आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। हो गया, तो दे विल या दिस एटम विल एक्ट लाइक अ डायपोल। अब हर एटम का क्या होगा? डायपोल मोमेंट। तो अगर मैं इस एटम का, इस एटम का, इस एटम का, सभी एटम्स का डायपोल मोमेंट मिला दूं तो क्या आएगा? नेट डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैंने क्या बनाया? नेट डायपोल मोमेंट। तो नेट डायपोल मोमेंट जो भी होगा इसका, नेट डायपोल मोमेंट, ठीक, इसको अगर मैं वॉल्यूम से क्या कर दूं, मटेरियल के वॉल्यूम से डिवाइड, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। तो पोलराइजेशन डेंसिटी का मतलब है कि इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, जो आपने डायपोल मोमेंट, जिस डायपोल मोमेंट की मैं बात कर रहा हूं, जो एटम पोलराइज हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ डायलैक्ट्रिक स्लैब को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन डेंसिटी। क्लियर है यहां तक? अब डायपोल मोमेंट निकले तो निकले कैसे? तो अगर ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हैं और अंदर एटम्स हैं माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस करके, तो एक एक लाखों एटम का डायपोल मोमेंट ऐड कौन करेगा? ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो एक आसान तरीका निकाला, मान लेते हैं कि इसके लेफ्ट की तरफ चार्ज कितना है? माइनस क्यू, और राइट की तरफ चार्ज कितना है? प्लस क्यू। तो टोटल चार्ज ले लेते हैं माइनस क्यू, टोटल चार्ज राइट की तरफ प्लस क्यू, और इनके बीच में सेपरेशन कितनी है? डी। तो डायपोल मोमेंट इसका क्या होगा? क्यू इंटू डी। तो क्या ये स्टेप क्लियर है? पूरे डायलैक्ट्रिक का सीधा डायपोल मोमेंट निकाल दिया, कितना? क्यू इंटू डी। ये डायलैक्ट्रिक स्लैब के इस तरफ माइनस क्यू चार्ज है, इस तरफ प्लस क्यू चार्ज है, तो यहां पर डायपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा? क्यू इंटू डी। कोई डाउट इसमें? और वॉल्यूम क्या होगा? डायलैक्ट्रिक का एरिया इंटू थिकनेस। तो आपने एक चीज नोट की, जब मैंने वैल्यूज पुट की, डी से डी कैंसिल हो गया, जब डी से डी कैंसिल हुआ तो मेरे पास क्या आया? चार्ज बाय एरिया। चार्ज बाय एरिया क्या होता था? सिग्मा। हम किसकी बात कर रहे हैं? डायलैक्ट्रिक की, तो सिग्मा पी लिखना पड़ेगा, प्लेट्स की बात नहीं कर रहे। तो सिग्मा पी, तो यानी कि डायलैक्ट्रिक मटेरियल का सिग्मा एंड पोलराइजेशन डेंसिटी इज वन एंड दी सेम थिंग। तो पोलराइजेशन डेंसिटी निकालने का तरीका जरूर डिफरेंट था, लेकिन पोलराइजेशन डेंसिटी एंड सिग्मा ऑफ डायलैक्ट्रिक मटेरियल, इसकी वैल्यू एग्जैक्टली क्या रहेगी? सेम। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो जैसे मैंने आपको ये बताया था कि कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर ई की वैल्यू क्या होती है? ई होता है ई नॉट माइनस ई पी। यही किया था, ऐसे किया था। तो ई विल बी इक्वल टू ई नॉट, क्या होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ई पी क्या होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन, एप्सिलॉन रहने दो, मीडियम है ना डायलैक्ट्रिक, तो एप्सिलॉन नॉट रहने दो, एप्सिलॉन रहने दो। तो सिग्मा पी लिख दें यहां पे, सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन। तो यहां पे
सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस, इसकी जगह मैं पी बाय एप्सिलॉन भी पुट कर सकता हूँ। मतलब अगर मैंने सिग्मा की जगह जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का सिग्मा उसकी जगह पी लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये बताया इस टॉपिक में। आप कहेंगे ये टॉपिक आता है, नहीं मैंने इस टॉपिक को आता देखा नहीं है, ठीक। पर पोलराइजेशन डेंसिटी आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है, तो मैंने आपको बता दी कि पोलराइजेशन डेंसिटी किसे बोलते हैं। क्या आता है इसमें, इसमें ये आएगा इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी का सिंबल, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी जो है उसका सिंबल इज काय, इस सिंबल को काय बोलते हैं, ठीक, एक्स नहीं है, काय। इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी क्या बताती है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, कोई ज़्यादा पोलराइज होगा, कोई कम पोलराइज होगा, और हो सकता है कोई इंसुलेटर बिल्कुल भी पोलराइज ना हो। तो यानी कि कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे रिएक्ट करता है, जो जितना ज़्यादा पोलराइज होगा उतना ही उसका काय ज़्यादा होगा, जो कम होगा काय कम होगा, ससेप्टेबिलिटी कम होगी, और जो होगा ही नहीं उसका काय ज़ीरो होगा। तो ससेप्टेबिलिटी आपको ये बताती है कि कोई मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बिहेव करता है, जितना बढ़िया बिहेव करता है, जितना उसको रिएक्ट करेगा काय ज़्यादा होगा। अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा फाइंड रिलेशन बिटवीन ससेप्टेबिलिटी काय एंड डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक के। अब डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की दो टर्म्स हो गई, एक के हो गई और एक काय हो गया, इनका रिलेशन क्या है ये प्रूव करने को आएगा एनसीईआरटी में, कि प्रूव दैट के इज इक्वल टू वन प्लस काय। तो ये पोलराइजेशन डेंसिटी में ये टॉपिक आता है। हाँ एनसीईआरटी के अंदर, बोर्ड के अंदर तो मैंने आता देखा नहीं, स्कूल्स के अंदर एक दो टीचर जरूर डालते देखे हैं कि प्रूव कर दो। अब आए या ना आए वो बात की बात है, हम दो मिनट इसे कर लेते हैं, वैसे हमारा हो ही गया, ज़्यादा दूर लंबा स्टेप नहीं है इसमें। हमने ये डिस्कस किया कि जो ई है किसी भी डाइलेक्ट्रिक का वो क्या होता है, ई नॉट माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन, सिग्मा की जगह क्या कर दिया पोलराइजेशन डेंसिटी। किसी भी डाइलेक्ट्रिक की जो पोलराइजेशन डेंसिटी होती है वो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंडेंट होती है, जितना ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होता है, डेवलप हो जाता है, उसकी पोलराइजेशन डेंसिटी भी उतनी ज़्यादा हो जाती है, वो उतना ही पोलराइज हो जाता है। तो ये रिजल्ट है कि जो पोलराइजेशन डेंसिटी है वो मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक कॉन्स्टेंट आएगा अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटानी है, और कॉन्स्टेंट यहाँ पर एक नहीं दो हैं, क्योंकि कोई भी डायलेक्ट्रिक के अब दो दो कॉन्स्टेंट्स हैं, एक क्या है एप्सिलॉन और एक क्या है काय। अब दो दो चीज़ें हो गई, उसका मीडियम भी हो गया और उस साथ में उसका काय भी हो गया, तो दो कॉन्स्टेंट्स मैंने लगा दिए। इस पी को उठा के मैंने इसकी जगह पुट कर दिया, तो जब इसकी जगह पुट किया तो ये क्या हो गया काय, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन क्या हो गया कैंसल, ये हो गया कैंसल, ये इधर चला गया कॉमन आ गया, कॉमन आके ई नॉट के नीचे ई आ गया, ई नॉट बाई ई क्या होता है के, तो वन प्लस काय इज इक्वल टू के, ये रिजल्ट आ गया। टिपिकल एनसीईआरटी रिजल्ट है, कोई न्यूमेरिकल नहीं, कोई लेना देना नहीं, बस प्रूव करने को आए, चार स्टेप लिख के प्रूव कर देना, खत्म कर दी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर, यस सर। ओके, अब आप ऐसा कह सकते हो कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड कैपेसिटेंस का काम कंप्लीट होता है, अभी भी और थोड़ा काम और पड़ा है, दो साइन का काम तो और देना है मुझे भी, और मतलब सिलेबस, मतलब और कोई टॉपिक मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हाँ टॉपिक को लेके एक दो चीज़ें हैं जो आपने करनी है अभी, अदरवाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आज क्या डेट है, 11, बैच स्टार्ट हुआ था 12, दो महीने, मैंने बोला था इलेक्ट्रोस्टैट्स कंप्लीट करने में पूरे कितना टाइम लगेगा, दो महीने, आज दो महीने पूरे होते हैं, हर साल पढ़ाते हैं हमें पता ही होता है, 12-12 24 लेक्चर का हिसाब है ना, एक महीने में 12 लेक्चर, एक दूसरे में 12, 24 लेक्चर का पूरा 24-25वां लेक्चर हुआ है, काउंट की काउंट करते हैं हम तो रोज बैठ के कितने लेक्चर लगेंगे, ठीक। तो अब हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैट्स करने का तरीका है वो शायद बाकी टीचर से थोड़ा सा डिफरेंट भी है, मैंने देखा है थोड़ा हम टाइम ज़्यादा लगाते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स पे, डिटेल में भी करते हैं और कैपेसिटेंस में भी हम ज़्यादा टाइम लगाते हैं, जबकि काफ़ी लोग हमसे आगे हैं इलेक्ट्रिसिटी पे भी होते हैं, मुझे हर साल पता ही है,
नहीं भी होंगे तो मैं अंदाजे से बोल सकता हूँ या तो कैपेसिटर पे होंगे या खत्म होने, ज़्यादातर आ गई है मैंने देखा, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होगी लोगों की। हमारे साथ क्या है, यहाँ तक तो हम स्लो। अब हमने इसलिए 10 दिन ज़्यादा लगाए इस पे क्योंकि हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे ज़्यादा टाइम लगाया, हमने पोटेंशियल पे ज़्यादा टाइम लगाया। ये टाइम हमारा सेव होगा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्योंकि उसमें क्या आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमने काफ़ी टाइम इस पे लगाया तो हमारे बहुत सारे लेक्चर उसमें सेव होने वाले हैं। जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करेंगे तो आपको वो बहुत आसान लगेगा क्योंकि कैपेसिटर्स के बाद जब रेजिस्टेंस किए जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें क्लियर भी होती हैं, तो वो थोड़ा आसान भी लगेगा और चैप्टर भी छोटे हैं तो हमारा जो पेस है वो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर हम 2 चैप्टर एनसीईआरटी के, तो इलेक्ट्रिसिटी के, कंप्लीट कर ही देंगे। तो आपको चैप्टर कितने हैं सिलेबस में, एनसीईआरटी में 2 ही हैं, तो एनसीईआरटी लेवल तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि हम कर ही देंगे 20 तारीख तक। नहीं भी होगा तो चलो 1 चैप्टर तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। ठीक, तो इसमें जो है अब इलेक्ट्रिसिटी तो आज नहीं स्टार्ट करेंगे, टाइम मज़ा नहीं आएगा, 15-20 मिनट में क्या इलेक्ट्रिसिटी कर लोगे आप, तो वो फ्लो नहीं बनेगा। तो मैं आपको कुछ और क्वेश्चन कैपेसिटेंस की कराता हूँ, एक नई टेक्निक और नए क्वेश्चंस, तो जिसमें सबसे पहले ये भी बता दूँ एक और चीज़, एक शीट आपके बुकलेट में है 36 नंबर शीट, ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है सारा? यस सर। यस सर। ठीक है, विवांशु आज ऑनलाइन हो? यस सर। ठीक है, काफी लोग ऑनलाइन है आज तो। ओके, खुल नहीं रहा, इसे क्या हुआ? लास्ट टाइम एक शीट भी रह गई थी ना हमारी क्या चीज, डिस्कशन। क्या कह रहे हो फिर से? लास्ट टाइम एक हीट रह गई थी हाँ वो ठीक है, करा देता हूँ, वो भी करा देता हूँ, करा देता हूँ। ये जो शीट है 36 नंबर शीट, ये शीट ऑप्शनल है, कईयों को और डिटेल में सीखनी होती है अर्थिंग कि एक बॉडी, एक प्लेट ऑफ कैपेसिटर है, उसके ऊपर कुछ चार्ज था, मैंने अर्थ कर दिया, ऐसे कई क्वेश्चंस आए, तो वे फाइनल आंसर कैसे लिखने हैं उसको लेके ये शीट तैयार की गई है। ठीक है, मान लो 2 कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, एक को अर्थ कर दिया, पहले चार्ज था अर्थ कर दिया, अब क्या हुआ इनका, या फिर आपके पास 3 कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, आपने आपने इसको क्या दिया, क्यू चार्ज दिया इनिशियली टू प्लेट बी, बी को चार्ज दिया, इसको चार्ज नहीं दिया, तो यहां इंडक्शन लगाई आपने, इंडक्शन लगा के इनको क्या कर दिया, अर्थ कर दिया, तो क्या हुआ,
ऐसे ही कई लोग पूछ रहे थे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि पांच, अगर इस तरीके से पांच प्लेट्स गिवन हो, पांच प्लेट्स गिवन हो तो फिर इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे बनता है, तो इसका 15 मिनट का वीडियो है, टोटली ऑप्शनल है। कोई अर्थिंग देखना चाहता है कि कहीं मैं फंस ना जाऊं तो ज़रूर देख ले, किसी को लगता है कि नहीं तो कोई बात नहीं, स्कोर हेड के ऊपर अर्थिंग का टॉपिक बना हुआ है, उसमें 15 मिनट्स का वीडियो, ये शीट रख के आपने वहाँ से करना है, ठीक। मतलब मैंने तो वैसे ही ये किसी बुक्स में से नहीं लिखा, मैंने ये मैंने अलग अलग क्वेश्चन में से नेट से देख देख के कहीं कहीं से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, एक दो क्वेश्चन बुक से भी दिए हैं, तो ये कॉन्सेप्ट को अर्थिंग को कैसे यूज़ किया गया ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया, ताकि जिन लोगों को अर्थिंग में प्रॉब्लम आ रही थी उसमें अर्थिंग में प्रॉब्लम आनी बंद हो जाती है। ऑप्शनल है, मतलब मेरी तरफ से करोगे बड़ी अच्छी बात, नहीं कर पाओगे तो भी कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि आपने टॉपिक छोड़ दिया, अगर ऐसा होता मैं इसको करवा चुका होता, ठीक है। पर फिर भी कई लोग कहते हैं नहीं और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो वो सुन सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है 36, 35, 38, ओके, एक शीट थी नंबर 9, सब्जेक्टिव 9। देखो एक सब्जेक्टिव 8 है, एक सब्जेक्टिव 9 है, ये दो शीट जो हैं ये अगेन आपकी प्रैक्टिस के लिए ही रहेंगी, ठीक है। अभी टाइम है, हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसे, कुछ जो नए क्वेश्चंस हैं, जो मेन क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। इसके अंदर से एक दो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इन दोनों शीट्स में से, तो इसका भी वीडियो कल आएगा आपको संडे को, तो आप इसको एक बार 15-20 मिनट का, ये भी कुछ बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल का कोई अंत नहीं है। अब मैं भी कोई लिमिट नहीं ना, मैं भी अब कितना इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ही करवाए जा रहा हूँ, अल्टीमेटली क्वेश्चन जो आने हैं वो तो मैंने आपको मेंस का पेपर दिया है, आप खुद देख लेना, बहुत बड़े क्वेश्चंस आते नहीं हैं, नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन है, इक्का दुक्का को छोड़ के बाकी सब ठीक है, आपकी रेंज में है सारे, मतलब हमारी नॉलेज सफिशिएंट है, हम नीट और मेंस को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो कैपेसिटेंस का अगर किसी को और सीखना है, और एडवांस तक जाना है, तो प्लीज़ ये वीडियोज भी वो देखेगा और कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया वो भी देखेगा, तो मैं ये सेंड करूँगा। लेकिन अभी ये एचसी वर्मा की सिंपल असाइनमेंट, ये मुश्किल नहीं है, तो इसके अंदर मैंने क्या बताया, ये सब्जेक्टिव शीट नंबर 9 है। सब्जेक्टिव शीट नंबर 9 में जैसे पहला क्वेश्चन है, हिंट दे रहा हूँ सिर्फ, आप करना घर पे ट्राई, कि अगर ये तीन कैपेसिटर किस में कनेक्टेड है पैरेलल में, और आपको क्या निकालना है, इसमें चार्ज निकालना है, तो पैरेलल में क्या चीज़ सेम रहेगी, वी, तो चार्ज क्या होगा इसमें, C1 × V, C2 × V, C3 × V, आंसर सिंपल लॉजिक है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, एक वीट स्टोन ब्रिज, तो C1 × C1 = C2 × C2, तो मैं बीच की वायर को हटा सकता हूँ, तो मैं हटा लूँगा, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में आपस में पैरेलल में, क्लियर है। नेक्स्ट है, ये कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन है, C1 × C1, C2 × C2, तो ऊपर वाला क्या बना, वीट स्टोन ब्रिज, तो ये वायर हट जाएगी, नीचे वाला भी C1 × C1, C2 × C2, तो नीचे की वायर भी हट जाएगी, तो आपके पास दोनों वायर हटा के ये बनेगा, सारा कॉम्बिनेशन सीरीज क्या हो जाएगा, आपस में पैरेलल में हो जाएगा, ठीक। ये इजी है। जैसे क्वेश्चन है, इट इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट 10 μF कैपेसिटर, तो मुझे क्या बनाना है इस क्वेश्चन में, मुझे इस क्वेश्चन में 10 μF का कैपेसिटर बनाना है, विच कैन बी कनेक्टेड अक्रॉस 200 V बैटरी, तो मैं चाहता हूं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में कितना हो, 200 V, ठीक। कैपेसिटेंस, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 μF आर अवेलेबल, तो मेरे पास क्या अवेलेबल है, 10 μF। आपको अरे 10 बनाना है, 10 है तो है, लेकिन प्रॉब्लम है 10 बनाना है, 10 का कैपेसिटर है, पर मेरा कैपेसिटर कितने वोल्ट ले पाएगा वोल्टेज, 50 V की, मुझे ऐसा कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन बनाना है जिसकी कैपेसिटेंस तो हो 10 लेकिन वोल्टेज कितनी हो, 200, तो ये कैपेसिटर काम नहीं करेगा, क्योंकि सी तो बिल्कुल सही दे रहा है पर वी सही नहीं दे रहा। तो किसी ने सजेशन दिया ऐसे 4 कैपेसिटर्स ले लेना और किस में कनेक्ट कर देना, सीरीज में, तो सीरीज में ये 50 V, 50 V, 50 V, 50 V, तो टोटल वोल्टेज कितनी हो गई, 200 V, तो बात बन गई, अरे V में बात बन गई, अब C की बात बिगड़ गई, क्योंकि तीनों चारों कैपेसिटर किस में है, सीरीज में, तो
तो 10 10 10 10 सीरीज में नेट कैपेसिटेंस क्या आएगी, 10/4। अब गड़बड़ हो गई, अब कैपेसिटेंस हिल गई। अब पहले कैपेसिटेंस ठीक थी, वी खराब था, अब वी ठीक कर दिया, कैपेसिटेंस खराब हो गई। अब मेरे को एक ऐसा कैपेसिटर बनाना है कॉम्बिनेशन जिसका आंसर 10 ही आए लेकिन वोल्टेज 200 आए। तो प्रॉब्लम समझ में आई। तो मैंने क्या किया, मुझे ये पता है कि 200 वोल्ट लाने के लिए चार कैपेसिटर को सीरीज में तो लगाना ही पड़ेगा, तो मैंने इन चारों को सीरीज में लगा दिया। तो मेरी वोल्टेज 50 50 50 50 कितनी हो गई, 200। डन हो गया यहाँ तक 200। लेकिन इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है, 10/4। एक काम क्यों नहीं करते, ऐसे चार रोज इकट्ठी लगा दो, 10/4 10/4 10/4 10/4, क्योंकि पैरेलल में सारे ऐड करके नेट आंसर क्या आएगा, 10। तो यानी कि आपको 4/4 का ग्रिड बनाना पड़ेगा, चार सीरीज में और चार पैरेलल में, तो जाके आपका आंसर नेट आएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक, ओके। जैसे ये किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये कुछ कैपेसिटर्स गिवन है, कितने, तीन, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, और ऊपर क्या लगा रखा है, स्विच, और ये बैटरी है। केस नंबर वन, वो कहता है बैटरी का स्विच ओपन है, मैंने छेड़ा नहीं, खुला है, तो जो भी यहां से चार्जिंग होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी और इसकी भी होगी, ये दोनों किसमें है, इन पैरेलल, जो आंसर आएगा इसके साथ इन सीरीज। आपको तीनों की कैपेसिटेंस गिवन है, तो आप पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। देखो इस स्विच को तो हटा ही दो, क्योंकि इसने ऑन तो किया ही नहीं, तो फायदा तो है ही नहीं। तो केस नंबर वन में से ऑन नहीं किया, तो दोनों किसमें इन सीरीज, इसके साथ इन पैरेलल, तो नेट कैपेसिटेंस कितनी आएगी, 2C/3। तो बैटरी ने कितना चार्ज दिया सभी कैपेसिटर को, चार्ज इक्वल टू सी इन टू वी, बैटरी की वी की वैल्यू 50 है, मल्टीप्लाई करके आपने क्या निकाल दिया, चार्ज निकाल दिया। कोई डाउट इसमें, बैटरी का चार्ज आ गया। अब वो कहते हैं काम करो, इस स्विच को दबा दो, जब आप इस स्विच को ऑन करेंगे और दबा देंगे, ये देखो ये आपने इसको दबा दिया, अब इसकी क्या हो गई कैपेसिटर की, शॉर्ट सर्किटिंग, शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या सिखाया था लास्ट टाइम, कि एक ऐसी वायर लगा दी जिसके यहां भी वी है और यहां भी वी है, तो यानी कि इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो, इसकी चार्जिंग नहीं होगी, सारा का सारा चार्ज इस रेड वायर से होता हुआ निकल जाएगा, पर नीचे कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं जाएगा। तो अब कैपेसिटर किसको चार्ज कर रहा है, सिर्फ दो कैपेसिटर्स को, कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में आपने इनको लगाया तो कितना आया, 2C, 2C को 50 से मल्टीप्लाई किया तो नया चार्ज आ गया। तो क्वेश्चन में वो पूछता है कि जब मैंने स्विच ओपन रखा था तो चार्ज कितना था, इतना, जब मैंने स्विच को दबा दिया तो बैटरी से चार्ज कितना विड्रॉ हुआ, इतना, तो कितना एक्स्ट्रा चार्ज बैटरी से और निकालना पड़ा, ताकि जब स्विच को ऑन किया कितना चार्ज निकालना पड़ा, इन दोनों को क्या कर दिया, माइनस, और वो चार्ज किस में से फ्लो के जाएगा, ए बी में से। वो यही पूछ रहा है कितना चार्ज ए बी में से फ्लो के जाएगा जब आप स्विच को ऑन करेंगे। तो क्या लॉजिक लगाया, समझ में आया, पहले स्विच ऑफ रखा, स्विच ऑन रखा, और फिर क्या किया, दोनों चार्ज को माइनस, वो एक्स्ट्रा चार्ज ही ए बी में से फ्लो के जाएगा। तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? यस। हाँ, रेड वो जो ऊपर, उस, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस नहीं है। देखो मेरे को कोई, ये नेचर का लॉ है, इंसान भी और चार्ज भी वही रास्ता फॉलो करता है जो आसान होता है, ठीक है। तो दो रास्ते हैं, एक में रेजिस्टेंस ही नहीं है, एक में रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर को चार्ज करना पड़ेगा, और एक वायर कहती है कोई टेंशन नहीं, मैं लग जाती हूँ ना, मैं रेजिस्टेंस ऑफर, मैं कुछ भी ऑफर नहीं करूँगी, सारा चार्ज वहीं से भाग जाएगा, ईजी रास्ता। करंट का भी यही है, एक वायर में करंट आ रहा है, वो वायर दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गई, जिसकी रेजिस्टेंस लो है उसमें ज़्यादा करंट जाएगा, कम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं सारा चार्ज वहीं से भागने की कोशिश करेगा, जो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करेगा उसमें करंट कम जाएगा। और एक ऐसी वायर, मान लो दो वायर है, इसमें रेजिस्टेंस ही नहीं है, इसमें है, सारा का सारा चार्ज इसमें से चला जाएगा, इसमें जाएगा ही नहीं, अभी करेंगे ये भी। पानी का भी तो ऐसा ही है, एक ट्रिब्यूटरी दो में डिवाइड हो रही है एक रिवर, तो जहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस है वहाँ कम पानी जाएगा, जहाँ ईजी फ्लो है वहाँ ज़्यादा निकल जाएगा, यही नेचर का लॉ है। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तो ऐसे इसमें आपने क्या करना है,
इस असाइनमेंट का मैं वीडियो भी सेंड करूंगा और ये वाला क्वेश्चन ये जरूर करना है। आपके डीसी पांडे के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन गिवन है, कैपेसिटर की प्लेट्स में चार्ज आता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन कवर करता है, तो ये वाला क्वेश्चन जरूर करना है, ये दोनों क्वेश्चन आपने जरूर करने हैं। प्लस ये शीट नंबर कौन सी चल रही है, 9, ऐसी एक और शीट है 8, 8 और 9 आपने देखनी है। मैं आपको तीनों वीडियो सेंड करूंगा, वैसे तो स्कोर हेड में है पर आपको ढूंढने में टाइम लगेगा तो मैं आपको सीधा सेंड करूंगा, आप प्लीज वो सुनना, ठीक है। कोई भी डाउट होगा क्लास के बियॉन्ड करेंगे उसे डिस्कस, क्लास के अंदर अब नए उससे स्टार्ट करेंगे, और किसी को ऑब्जेक्टिव में भी डाउट है उसको अलग कर लेंगे सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगली बार क्लास में क्या स्टार्ट होगी, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और कल टेस्ट है कैपेसिटेंस का ऑब्जेक्टिव, और सुन लो क्या आएगा, बिल्कुल बेसिक जैसे आपने पहला टेस्ट दिया था कैपेसिटेंस का सीरीज पैरेलल, या जिसमें आप मेरी शीट्स करके आना सफिशिएंट है, बात खत्म। व्हीटस्टोन ब्रिज ये वो बेसिक बेसिक सीरीज पैरेलल के क्वेश्चंस हैं, एनर्जी का क्वेश्चन है, कॉमन पोटेंशियल का बेसिक प्रॉब्लम है, रिवाइज करके आना, ठीक है, मतलब आना मतलब रिवाइज करके टेस्ट देना, ठीक। तो ये पहले राउंड का टेस्ट है, तो पहले राउंड बिल्कुल छोटा था, थोड़ा सा बड़ा, फिर और बड़ा, तो तीन लेवल में टेस्ट होगा, ऑनलाइन है, ऑनलाइन है, ऑनलाइन जा सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ बोलो सर, जो फिर शीट्स अभी हमारी क्लास